Assalamualaikum everyone, I hope you are all doing well. Welcome to Housewife Tales. आज मैं आप लोगों के लिए एक नॉवलेट लेकर आई हूँ जिसका नाम है अब कि हम बिछड़े तो शायद. इसको फरा बुखारी ने लिखा है. Let's get started. हसीन दिलकश मनाजिर अंसुर को बेख्तियार अपनी जानिब खींच रहे थे. ऊपर से ऐसा दिल फरेब मौसम, बादल जैसे दाएं बाएं से गुदगुदाते हुए गुजर रहे थे. गहरे बादलों ने पट्रियाटा के सब्ज़े और शादाबी को चांदनी की महीन सी चादर उड़ा दी थी. वो मोबाइल स्क्रीन मुसलसल ऑन किए उन हसीन नज़ारों की तस्वीरें महफूज कर रहा था. ऊंचे पत्थर पर पांव जमाए वो नीचे जाती बल खाती सड़क और लहराते बॉटल ब्रश के दरख्तों को फोकस मिलाते अब क्लिक दबाना ही चाहता था कि एक आच्छी गुलनारी अनारी सा आंचल दरख्त के पीछे से लहराते हुए मोबाइल स्क्रीन के सामने आने लगा. अंसुर ने मोबाइल स्क्रीन से नज़रें हटाकर वहां देखा. 4 फीट की दूरी पर मौजूद इस दरख्त के पीछे कोई था जिसके दुपट्टे ने लहराकर अंसुर की यकसुई में खलल डाल दिया था. लेकिन खैर, आंचल लहराकर गायब हो चुका था. अंसुर ने मोबाइल फिर सीधा किया और दरख्त सड़क और पहाड़ी को फोकस में लाते उंगली दबाई ही थी कि आंचल की गुस्ताखी ने लहराकर फिर तस्वीर का मजाक किरकिरा कर दिया. लेकिन इस मरतबा उंगली दब चुकी थी. गुलनारी दुपट्टा तस्वीर में बिल्कुल वाज़े था और बिलाशुबा तस्वीर की खूबसूरती को बढ़ाने का बायस बना था. अंसुर ने अबरू उठाकर ताद देते मुख्तलिफ एंगल से चंद और तस्वीरें भी लीं जिनमें दुपट्टा आड़े नहीं आया था. फिर वह किसी और मंजर की तलाश में वहाँ से आगे बढ़ गया. आधे घंटे तक फोटोग्राफी के शगल से दिल बहलाते अब कुछ खाने पीने की तलब ने अंदर सर उभारा तो अंसुर ने ज़रा फासले पर दिखाई देते स्टॉल्स पर निगाह डाली. आइसक्रीम, कॉफ़ी, चाय वो मखमसे में बस चंद सेकंड के लिए पड़ा. फिर कॉफ़ी की कशिश बाकी दो पर हावी हो गई और वो मुस्कुराते कॉफ़ी शॉप की तरफ बढ़ गया. भाई 3 कप कॉफ़ी, अंसुर ने हाथ उठाकर कुछ बोलने के लिए मुंह खोला था कि कंधे के पीछे से एक शोख निस्वानी आवाज़ ने उसकी आवाज़ पर सबकत ले ली. अंसुर का सर बेख्तियार घूमा. लड़की बिलावजह मुस्कुरा दी. अंसुर ने अलबत्ता इसी संजीदगी से दोबारा सामने सर मोड़ा लेकिन नजरें जैसे पीछे कहीं रह गईं. इस मुस्कुराती लड़की की पुश्त पर वही गुल अनारी आंचल लहरा रहा था. पलट कर दोबारा देखने की ख्वाहिश शदीद हुई लेकिन बिलावजह मुड़ मुड़ कर देखना सख्त गैर अखलाकी हरकत थी. उसने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया. इस दौरान में मुस्कुराती लड़की पीछे से निकलकर अंसुर के बराबर में आकर खड़ी हो गई और यकीनन वो अनारकली भी इसके साथ थी. अब अंसुर के लिए अगरचे बराबर में आसान हो गया था लेकिन इसकी असली शराफत ने हिम्मत ही पैदा नहीं होने दी कि वो हनूस सामने ही देखता रहा. दुकानदार ने लड़कियों का ऑर्डर पूरा करते हुए ट्रे में 3 कप बढ़ाए. मुस्कुराती लड़की ट्रे थाम कर पीछे पलटी. अंसुर तब भी सामने ही देखता रहा. दुकानदार ने इसका कप आगे बढ़ाया. अंसुर ने अपना कप हाथ में लिया ही था कि एक साथ 3 निस्वानी चीखें सुनाई दी. सब ने मुड़कर चौंक कर और घबरा कर उनकी तरफ देखा. ओह, अंसुर के लब सीटी के अंदाज में सुखड़े. एक कॉफ़ी का कप इस शरबती आंचल पर पूरा का पूरा उलट चुका था. लड़की अपना आधा दुपट्टा सामने सीने पर संभाले बाकी के आधे को परेशानी से झटक रही थी. शुक्र है कि इसका जिस्म गर्म कॉफ़ी से बच गया था. वो परेशानी से मुसलसल अपना दुपट्टा झटक रही थी और अंसुर ने पहली मर्तबा इसके चेहरे को ध्यान से देखा था. शरबती और नीले रंग के लिबास वाली लड़की ने डार्क ब्लू हिजाब अपने चेहरे के किर्द ले रखा था. गुलाबी रंगत वाली वो एक खूबसूरत लड़की थी जिसके सभी चेहरे पर सबसे ख़ास इसकी उदासी भरी आँखें थीं. नाराज़गी का तासुर लिए वो भरे भरे होंठ मालूम नहीं मौजूदा सूरत हाल की वजह से ऐसे लग रहे थे या हमा वक्त वो खफा खफा ही रहती थी. इसकी भारी गिलाफी शफाफ आँखों का अबरुओं से खूब कुशादा फासला था. अजीब गहरी झील सी उदासी का तासुर देती वो आँखें शायद देखने वाले का भी मन बोझल कर देती होंगी. वो सूरत से जितनी मासूम थी दर हकीकत भी इससे कुछ ज़्यादा कम नहीं थी. 2-4 लोगों के जमा हो जाने पर घबराकर सहेलियों का हाथ पकड़ती वहाँ से खिसक गई. अंसुर ने कॉफ़ी की पेमेंट की और पलटकर खुली जगह पर आया तो वो तीनों से कहीं दिखाई नहीं दी. अब से पहले वो भी पट्रियाटा कभी अकेला नहीं आया था, हमेशा ही दोस्तों के साथ आना हुआ. लेकिन आज वो न्यू मरी की आबादी में एक गाड़ी देखने आया था. वो आजकल अपनी पुरानी गाड़ी बेचकर नई खरीदने के चक्कर में था
और इसी सिलसिले में यहाँ वहाँ कई लोकेशंस पर जाना पड़ता था। यहाँ वाली गाड़ी इसने ऑनलाइन इश्तहार में देखी तो चेक करने आ गया, लेकिन गाड़ी करीब से देखने पर अंसुर को कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। वहाँ से निकला तो अच्छा मौसम देखकर मज़ीद आगे निकल आया और अब कॉफ़ी पीकर इसका घर वापसी का इरादा था। वो कॉफ़ी का खाली कप नज़दीकी डस्टबिन में फेंक कर टिश्यू पेपर से हाथ साफ़ कर रहा था जब वो तीनों लड़कियाँ आयन इसके सामने आकर खड़ी हो गईं। अंसुर ने चौंककर सवालिया नज़र से बारी बारी सामने खड़ी दोनों लड़कियों पर निगाह डाली, क्योंकि वो गुल अनारी एक मरतबा फिर इन दोनों के पीछे छुपी हुई थी। अंसुर ने ताजुब से भवें सिकोड़ कर इनके तासुरात को इलाही खैर नज़रों से जांचा। जी वो भाई, दरअसल हम, मुस्कुराती लड़की ने घबरा कर गले से घुटी घुटी सी आवाज़ निकाली। अंसुर माथे पर हैरत भरा बल डाले उसे देख बल के घूर रहा था जब ग्रीन सूट वाली लड़की ने हिम्मत करते पहली का जुमला उचक लिया। असल में भाई, हमें आपकी मदद चाहिए, वो तेज़ तेज बोलते फौरन मुद्दे पर आई। जी फरमाइए। वो एक्चुअली हम यहाँ कॉलेज ट्रिप के साथ आए हैं, हमारी टीचर्स और साथ ही स्टूडेंट्स भी हैं हमारे साथ, और कुछ देर पहले तक भी थीं, लेकिन अब वो सब लोग चेयरलिफ्ट के ज़रिए दूसरी तरफ चले गए। हम उनके साथ नहीं गए क्योंकि हमें चेयरलिफ्ट से बहुत डर लगता है। ओह, अंसुर मुस्कुरा दिया, तो जब आपने चेयरलिफ्ट से जाना ही नहीं था तो यहाँ तक आई ही क्यों? यहाँ की असल तफरी तो वही है। और जी हमें मैम भी यही कह रही थी, पहली वाली ने शर्मिंदगी से मुँह बसोरा। इनमें से भी हमें इस बात पर डांट पड़ी कि अगर चेयरलिफ्ट से नहीं जाना था तो आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन सच्ची बात है हमें कुछ अंदाज़ा नहीं था पिकनिक के बारे में, बस गलती ही समझ लें। तो अब अंसुर को मदद वाली बात अभी तक समझ नहीं आई। असल में भाई, उधर कुछ आवारा लड़के हैं, उसने हाथ से एक जानेब इशारा किया, वो हमें अकेला पाकर मुसलसल हमारे पीछे लगे हुए हैं। दूसरी लड़की को ये बात बताते हुए शर्म से आंखें झुक गईं। हम इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं, प्लीज़ हमारी मदद कर दें, वो दोनों सामने खड़ी लड़कियां ही मुसलसल लुक में दे देकर बात समझा रही थीं। इस शरबती आंखों वाली घबराहट का ये आलम था, आवाज़ शायद इसके हलक से निकलना भी मुहाल थी। वो घबरा कर मुसलसल पीछे ही देख रही थी। क्या आप लोग अपने घर जाना चाहती हैं? अंसुर यही समझा। नहीं, घर तो बहुत दूर है और हम बिना मैडम की इजाज़त के जा भी नहीं सकते। आप प्लीज़ हमें हमारी टीचर्स के पास पहुंचा दें, अब हम चेयरलिफ्ट से जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अंसुर ने लपतपाकर कुछ सोचा। इसकी समझ में अभी भी ये बात नहीं आ सकी कि चेयरलिफ्ट से जाने के लिए उन्हें इसकी मदद क्यों दरकार है। दरअसल हम तीन हैं और लिफ्ट एक वक्त में दो लोगों को लेके जाती है, तो अब अगर हम में से दो लोग एक चेयरलिफ्ट में जाएंगे तो कोई एक अकेली रह जाएगी, और हम में से कोई भी चेयरलिफ्ट में अकेले जाने को तैयार नहीं, हमें इसलिए आपकी मदद। ओह सही, बात अंसुर की समझ में आ गई थी। वो काफ़ी देर से उसे यहाँ वहाँ घूमता देख रही थी और यकीनन बेज़रर पाया था, इसीलिए मदद के लिए पुकार लिया। ओके आए, लेकिन मेरा ख्याल है आपको आवारा लड़कों से घबराना नहीं चाहिए, आपकी इजाज़त हो तो मैं भगा दूँ इनको। नहीं भाई प्लीज़, इन्हें कुछ मत कहें, हमारी मैम वगैरह के वापस आने में शायद 2-2.5 घंटे से ज़्यादा लग जाएं, तो इतनी देर हम यहाँ इनसे डरते ही रहेंगे, फिर आप भी तो चले जाएंगे, कहीं आपके चले जाने के बाद लड़के हमें ज़्यादा परेशान ना करने लगें। चलें, जैसे आपकी मर्ज़ी, बेहतर तो यही है कि आप अपने ग्रुप के साथ साथ रहें, आ जाएं। अंसुर उन्हें इशारा करता आगे आगे चेयरलिफ्ट के मरकज तक पहुंचा, चार टिकट खरीदे और इन सब को लाइन में खड़ा करते खुद सबसे आगे लग गया। दिल ही दिल में इस बात की दुआ करते कि कुदरत एक मौका फराहम कर रही है, तो काश इसे गुल अनारी आंचल के साथ बैठने का मौका मिल जाए। अपनी बारी आने पर अंसुर ने पीछे मुड़कर देखा, इन सब ने तरतीब में कोई रद्दबदल नहीं किया था। अंसुर के धकड़ पकड़ करते दिल को एक गुना इत्मीनान हुआ और खुशी नसीब हुई, और लड़कियों को बैठने के मुतालिक ज़रूरी हिदायत देते उसने पीच और ग्रीन ड्रेस वालियों को चेयरलिफ्ट के आगे कर दिया। वो यूँ भी खासी घबराई हुई थी क्योंकि पहली मरतबा चेयरलिफ्ट का सफ़र कर रही थी, तो जैसे अंसुर समझाता गया उसी तरह करती गई। आखिर एक चेयरलिफ्ट आई और आन की आन में इनको वो चक्कर ले गई। इनकी दबी दबी चीखें कुछ देर बाद भी सुनाई देती रहीं। अंसुर ने पलटकर अब उसे देखा जो अहमकों की तरह कदम कदम पीछे हट रही थी। अंसुर ने एक नज़र पलटकर चेयरलिफ्ट की तरफ देखा, दरमियान में दो चेयरलिफ्ट इनकी सुस्ती की वजह से खाली निकल गई थीं। लिफ्ट कंट्रोलर अब इनके देर करने पर चीख रहा था। अंसुर ने पीछे मोड़ काट कर आती चेयरलिफ्ट के फासले को एक नज़र देखा और अचानक ही उसकी कलाई थाम कर जल्दी से आगे आकर पोजीशन संभाली। वो बेवकूफ़ हाथ छुड़ाने में कोशा थी जिसे अंसुर ने सख्ती से काबू में किया हुआ था। तभी पीछे से चेयर आकर टांगों से लगी। अंसुर जहनी तौर पर तैयार था इसलिए धप से बैठ गया, जबकि मैडम साहिबा के बौखलाहट में दोनों बाजू फिजा में बुलंद हुए और मुँह खुला का खुला। चेयरलिफ्ट बहरहाल बाहिफाजत आगे रवाना हो गई। अंसुर ने मुस्कुराहट दबाते लोहे के सपोर्टर को सामने से बंद किया और बालों में उंगलियों की कंघी चलाते हुए चेहरा मोड़ा। कैसा रहा?
ओह, लड़की के सीधे होते बाजू सपोर्टर पर आन लगे, आंखें हवनकों जैसी पूरी खुली थीं और खुश गले से थूक निकलते इसने अंसुर को देखा, जो मासूमियत से मुस्कुराते इसके चेहरे के तासुरात जांच रहा था। वैसे इतना घबराने वाली कोई बात नहीं होती, नया बंदा इसे यूं ले जैसे आम कार या बस का सफ़र, और ऊंचाई का खौफ तो इंसान की, मुझे चक्कर आ रहे हैं और मतली भी, मैं नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं, मुझे और आगे नहीं जाना, रोको इसे रोको, फटी आंखों के साथ वो अहमकों की तरह बोलते सपोर्टर को इंतहाई सख्ती से पकड़े। अब जैसे कुछ कर गुजरने की नियत पर थी, अंसुर ने फिल फोर ही बिना सोचे उसे कंधे से पकड़कर झंझोर डाला। कुछ नहीं होता बेवकूफ़, उधर देखो। अंसुर ने इसका एक ही जगह पर जमा सर हाथों में लेकर घुमाया। इन आपस में बातें करते को देखो और वापस आते हुए लोगों को देखो। अंसुर ने इसकी तवज्जो वापस आती चिल्ड्रंस की तरफ करवाई, जहाँ लोग आपस में बातें कर रहे थे और वापस आ रहे थे। लड़की का सर अपने हाथों में मजबूत से पकड़ रखा था। वापस आती चेयर लिफ्ट में एक 14 साल लड़का और 10-11 साल बच्ची बड़े इत्मीनान से बैठे मुस्कुरा रहे थे। देखो कैसे नॉर्मल है ये सब, और वो पीछे देखो कितने सेहतमंद साहिबान हैं। पीछे आती चेयर लिफ्ट में कॉटन के लिबास में दो खूबसूरत सेहतमंद पहलवान नुमा हजरात वापस आ रहे थे। ये वाकई एक दिलचस्प चीज़ है, कोई घूमने वाला बेहुदा झूला होता तो मैं खुद भी कभी ना बैठता। प्लीज़ बीबी कूल डाउन। लेकिन हम ऊपर जा रहे हैं, लड़की फिर चिल्लाई, क्योंकि चेयरलिफ्ट वाकई रफ्तार रफ्तार ऊंचाई की तरफ बढ़ रही थी। ओफ, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। लेकिन आंखें बंद, अंसुर ने रपटा तो इसने फ़ौरन आंखें मीच ली। अब फील करो कि तुम गाड़ी का सफ़र कर रही हो, गाड़ी ऐसे नहीं चलती। वो ज़िद्दी हुई, आंखें हनोज बंद थी। अच्छा तो खोता रेहड़ी का तस्वुर कर लो, वो भन्नाया और लड़की के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट रिंग गई। ए, अंसुर ने भवें सिकोड़ी, तुम डरने की एक्टिंग कर रही थी हैं? क्यों? इसने फट से आंखें खोलकर अंसुर को देखा। क्या मतलब, कैसी एक्टिंग? अभी तो तुम्हें चक्कर आ रहे थे और अब तुम मुस्कुरा रही हो, तो मैं क्या समझूं? डर में मुस्कुराना मना है क्या? वो भी तुनक्कर घूरने लगी। हाँ खैर, मना तो नहीं, अंसुर ने कंधे उचकाए, लेकिन डर में हंसी निकलती ही कहाँ है, वो मेरा डर अब कम हो गया है। उसने रखाई से महज मुत्तला किया और अंसुर फिर से मुस्कुराने लगा। चलो शुक्र है, वरना मुझे लग रहा था कि यहीं से छलांग मार देने का इरादा है। तौबा है, उसने नीचे देखते हुए झरझरी ली, गिरने से ही तो डर रही थी, छलांग क्यों मारूंगी। वाह, अंसुर ने बादलों की गहरी लकीर को बाएं हाथ के दरख्तों से निकलकर फिजा में फैलते देखा, जो अनकरीब इनकी चेयर लिफ्ट को भी अपने घेरे में लेने वाले थे। अंसुर ने हाथ आगे बढ़ाया और चंद ही लम्हों में गहरे भरे भरे बादल कोहरे की तरह माहौल पर छा गए। आसपास की हर चीज़ पर बादलों की चादर तन गई थी, सिवाय बादलों के अब कुछ दिखाई और सुझाई देना बंद हो गया था। यह आलम देखकर लड़की के नए सिरे से हवास जाने लगे। बारिश तो नहीं होगी? गहरी उदास आंखें एक मरतबा फिर ख्वाब से फैलकर झील बन गई थीं। अंसुर ने तस्वुर में माथा पीटा। हाँ हो भी सकती है। तो? वो भी चिढ़ गया। अरे तो करंट लग सकता है ना, वो चिल्लाई। करंट? अंसुर की आंखें पहले तो फैलीं, फिर बेसाख्ता एक कहका निकला और देर तक हंसता चला गया, वो भी ज़ोर ज़ोर से। हाथी की तरह चिंगाड़ क्यों रहे हो, वो गुस्से से चिल्लाई। बिजली के तार से बंधे हैं हम। मैं तो वैसे आज तक कभी नहीं सुन पाया कि बारिश आने से यहाँ किसी को करंट लगा हो। ओके तो आज झेलो, वो जलकर दूसरी जानेब देखने लगी। तुम्हारे मुँह से अच्छी बात नहीं निकल सकती क्या? खुद तो वहमों की मारी हो ही, अब मुझे भी डाल रही हो। अंसुर इतने प्यारे मंजर से लुत्फ ना उठा सकने पर अब अच्छा खासा जुजबुस हो रहा था। वो दबा दबा हंसती, यानी एक तो एहसान करो, ऊपर से एहसान करने की सजा भी झेलो, वो अपने आप में बड़बड़ाया। गुल अनारी बदस्तूर मुस्कुराई गई। बादलों की लहर से बहिफाजत निकल आने पर अब फिजा क्लियर हो गई थी, इत्मीनान भी कुछ इसी हिसाब से दर आया था। वैसे मुझसे मदद मांगने का बढ़िया आइडिया था किसका? वो अब रुख मोड़े जैसे अच्छे मूड में कुछ कुछ छेड़ने के लिए उसे मुखातिब कर रहा था। मेरी तरफ से नहीं आया था, उसने होंठ सिकोड़े। नहीं खैर, आपस में सलाह मशवरे तो ज़रूर हुए होंगे। वो अब स्टाइल से बालों में हाथ फेर रहा था। मुझे नहीं पता, वो अब हंसी रोक रही थी। वैसे तो चेहरे से टपकती मासूमियत ही काफ़ी है मेरी शराफत के सबूत के लिए। अब वो मोबाइल निकालकर शायद अपने चेहरे की मासूमियत जांच रहा था। दूसरी वजह इंसान का अमल होता है, और मैं तो सरता पा। हमें एक अकेले बंदे की तलाश थी, ज़्यादा कुछ नहीं, इसने मुख्तसर जुमले में बात समेटते हुए अंसुर को चिढ़ाया। अजीब लॉजिक है, वो बिना शर्मिंदा हुए मुँह के जाविये सेट कर रहा था। मेरी तस्वीर ना आने पाए, उसने उंगली उठा के तंबीह करी, साथ ही चेयर लिफ्ट के एक कोने में सिमट गई। मोबाइल तो तुम्हारे पास भी है, ऐसी यादगार मोमेंट की तस्वीर तो बनती है। वैसे मैं बाद में बना लूँगी, वो हिचकिचाई। घर वालों से गोल करने का इरादा है क्या?
ये सारा मामला वो अब छेड़ रहा था। मैंने सोचा नहीं, वह आम अंदाज में कहते अपने हिजाब की पिन सेट करने लगी। कहाँ से आए हो आप? अंसुर का लहजा भी नॉर्मल था, बिल्कुल सादा। यहीं इस्लामाबाद सिटी से, वो रिजर्व हुई और अंसुर ने जताते हुए अंदाज में मुस्कुराकर गला खंखारा। चलो कोई बात नहीं, एहतियात अच्छी होती है, वैसे मैं वाकई अपनी शक्ल के अन मुताबिक हूँ। अंसुर ने बड़े मान से मुतला किया। यानी खुरांट? उसने शरारत से लब दबाया। अंसुर ने पहले घूरा फिर हंस पड़ा। तुम्हारा नाम क्या है? अनारकली है। वो बहुत चौंकी, फिर अपने लिबास को देखते हुए समझ गई। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है भाई, अब भरोसा किया है मुझ पर तो नाम बताने में क्या मज़ायका है? अल्लाह जाने ज़िंदगी में फिर कभी मुलाकात होती भी है या नहीं। वो सचमुच संजीदा हुआ। अनारकली ने बेसाख्ता रुख मोड़कर देखा, नज़रें मिली, फिर चंद लम्हों की बात थी वो गड़बड़ा कर सीधी हो गई। अंसुर ने भी नज़र हटाकर सामने देखा। दूसरा पॉइंट नज़र आने लग गया था उतरने के लिए, अब एकदम चौकन्ना बैठना था। नीचे उतरते ही सीध में मत भागना, फ़ौरन अपने राइट हैंड को मुड़ जाना, समझ रही हो ना? फ़ौरन, वो संजीदगी से समझाने लगा और लड़की ने भी मुस्तैदी से सर हिला दिया। अलबत्ता साथ ही सपोर्टर को मजबूती से थाम लिया। इस पर से हाथ हटा लो, इसे ऊपर उठाकर निकलना है। ओह अच्छा, वो एकदम बितकी। उतरने का मरहला चढ़ने से ज़्यादा मुश्किल लगा तो घबरा कर अंसुर को देखा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, वो हल्के से मुस्कराया। सामने देखो और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, अंसुर ने कहते साथ ही सपोर्टर को ऊपर उठा दिया। पांव जमीन को छूने लगे थे, इसने लड़की को हाथ से दाएं जानेब धकेलते खुद बाएं हाथ का रुख किया। चेयरलिफ्ट खाली आगे बढ़ गई। लड़की की दोनों सहेलियां इसके इंतज़ार में रुकी हुई थीं। अंसुर इन तीनों पर आकर नज़र डालते हुए खुद ही वहां से दूर होता गया। वो बिना इरादे और प्लानिंग के इस तरफ आया था, लेकिन अब आ ही गया था तो कुछ तफरी में वक्त गुजारा जा सकता था। इसने मोबाइल निकाल कर फिर से अपना सबका शुगल शुरू कर दिया। लड़कियाँ किसी और सिम्त में बाकी साथियों की तरफ और टीचर्स के पास चली गईं। अंसुर खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज़ होते फूलों, क्यारियों, दरख्तों और पहाड़ों की तस्वीरें बनाते देर तक यहाँ वहाँ घूमता रहा। गालबा ने शुगल में उसे तकरीबन एक घंटा लग गया था। थककर अब इसने वापसी का इरादा किया। फूलों की नारंगी और पीली क्यारियों से गुजरकर वो अनानास के एक दरख्त तक पहुंचा और अचानक दरख्त की दाहिनी सिम से निकलकर वो बिल्कुल अचानक सामने आ गई। दोनों के कदम यकलख ठटक कर अपनी जगह पर ही थम गए। घंटे भर की दूरी के बाद का ये पहला अचानक सामना अजीब ना समझ आने वाली कैफियत का हामिल था। कुछ आशना, कुछ अजनबी हुई धड़कनें। अभी कुछ देर पहले वो कितनी बेतकल्लुफ़ी से एक दूसरे से हम कलाम थे और अब जैसे अल्फाज गुम हो गए थे। अंसुर कुछ लम्हों बाद हाल में हाजिर हुआ और ये समझने के काबिल भी कि वो इस वक्त बिल्कुल अकेली थी। तुम्हारा नंबर? अंसुर ने बिना तमहीद में पड़े वक्त बचाया और नर्वस होकर पीछे देखने लगी जैसे खुद भी आमादो हो। बल्कि तुम मेरा नंबर लिखो जल्दी यार, उसने हाथ में पकड़े मोबाइल की तरफ इशारा किया और इसने भी बात समझते हुए जल्दी से अपना मोबाइल की स्क्रीन रोशन करी। 314। अभी तो यहीं खड़ी थी, नज़दीक कहीं से जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। लड़की ने मोबाइल बंद करते हुए फ़ौरन पीठ मोड़ी। अंसुर भी तेज़ी से वहाँ से दूर हट गया। गालबन वही पीच ड्रेस वाली मुस्कुराती सहेली नज़दीक आ रही थी। अंसुर ने चंद कदमों में ही ख़ुद को बिल्कुल इस जगह से गायब किया। अपनी वजह से वो इस लड़की की इज्जत पर दाव नहीं खेल सकता था। काफ़ी दूर आने पर पलट कर देखा, अब वो कहीं दिखाई नहीं देती थी। बेचैनी से लपचपाते अंसुर ने कुछ देर वहीं रुककर सोचा कि अब क्या करना चाहिए। यहाँ से चले जाने का मतलब तो इसे बिल्कुल ही खो देना था। और वापसी, इसने वापस पलटने का एक बार फिर कोशिश करते हुए उनको तलाशा। बिलाखिर वो उसे लड़कियों के एक बड़े टोले में बैठी दिखाई दे गई। तो अब इसने घड़ी में वक्त देखा, घर से निकले अब उसे खासी देर हो चुकी थी। अम्मी न सिर्फ इसकी मुंतज़िर होंगी बल्कि मुतफक्किर भी होंगी। इनकी तरफ से 3 मिस्ड कॉल्स आई हुई थी, पता नहीं तबीयत कैसी होगी उनकी। अंसुर ने दूसरी नज़र इस भरे पूरे टोले पर डाली जो कि दोपहर में लंच पे यहीं रुकने वाली थी, और बिलाखिर इस टोले के मुंतशिर होने के उसे कोई आसार नमाया नज़र नहीं आ रहे थे। फिर इस अनारकली ने भी अंसुर को नहीं देखा था। इसने अपने मायूस कदम धीरे धीरे दूर हटाते वापसी की राह ली। नंबर्स का तबादला तो अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा था। चलो खैर, इसी शहर में रहती हो तो कुदरत शायद कभी मिला भी दें। वो मुस्कुराकर खुद अपने आप को हौसला देते वहाँ से हट गया। वापसी पर चेयरलिफ्ट में अकेले बैठते इसने लहराते आँचल वाली तस्वीर सामने खोली। तुम्हारे आँचल को मेरी नज़र लगी थी, तुम्हें अल्लाह हर बुरी नज़र से बचाए, आमीन, खुश रहो। वो कॉफ़ी गिरने का मंजर याद करके शफाफ आँचल पर उंगली फेरते हुए बेसाख्ता दुआ दे बैठा। जानती हूँ बहुत मुश्किल वक्त है, मरियम सुल्तान ने ठंडी आह बड़ी दिक्कत के साथ हलक से निकालते हुए सामने बैठी नंद को देखा। सुहेल भी ये कैसी कड़िया आजमाइश में डाल गया है मुझे। इसकी जुदाई का ऐसा जलते अंगारों से दर्द क्या कम था मुझ बदनसीब की ज़ात पर, जो ऐसी सियाह रात जैसी जिंदगी। हाजरा ने जब्त से लब चबाते भावज के हाथ पर नरमी से अपना हाथ रखा। जवान भतीजे की याद जब इनका दिल तड़पा जाती थी, माँ बेचारी का क्या हाल होगा। बस कर दो भाभी,
क्यों शहीद की रूह को सोगवार करती हो? यह आंसू तो अब जीते जी साथ लगे हैं आपा। रो लेने से चंद दिन और जी लेने की ताकत आ जाती है, वरना मेरे लाल की जुदाई। अल्लाह सब्र देने वाला है, हिम्मत रखो। 10 माह गुजर गए आपा, हिम्मत ही तो आगे खींचे जा रही है, वरना एक आज़ार से निमटते हैं लाखों और जान को आ लगते हैं। वो अपनी रोई गुलाबी आँखों को दुपट्टे के पल्लू से रगड़ रगड़ कर सुर्ख कर चुकी थी। दुरे समीन मैके चली गई भाभी। हाजरा आपा के सवाल में भी ख्वाहिश छुपी थी। मुतलाशी निगाहें बराबर कमरे रहदारियों में भटक रही थी। बड़े भाई आबिद के यहाँ गई है अभी 2 रोज़ पहले, यानी कि मिलने गई है। वो कदरे मायूस हुई। मरियम सुल्तान ने होले से इस बात में सर हिला दिया। हाजरा आपा से वो इस मौजू पर बात करने से जितना कतराती थी, आपा इतना ही ज़्यादा कुरेदती। तो भाभी तुम उसे अपने पास रखे हुए ही क्यों हो? अब तो इद्दत गुजरे भी 7 माह हो गए। दिनों और हफ्तों की बात है कि सुहेल की पहली बरसी भी आ जाएगी। अपना कोई पोता ना पोती, बिला वजह अकेली जवान लड़की को घर में रखना। दुरे समीन की गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाते आज तो खुलकर मुद्दा जाहिर करने का मौका था। हाजरा भी ज़रा नहीं झिझकी। अपनी इरम के लिए उन्होंने बरसों से सुहेल के मुतालिक सोच रखा था, लेकिन मरियम भाभी को किसी महफिल में दुरे समीन ऐसी भाग गई कि बहू बनाने के लिए अगले रोज़ से कोशिशें जारी कर दी। चलो वो तो जो हुआ सो हुआ, अब तो सुहेल भी दुनिया में नहीं रहा था। भाई दुरे समीन की किस्मत, अल्लाह ने इसकी इरम को ऐसे किसी हादसे का शिकार होने से बचा लिया। सुहेल के दुरे समीन से ब्याह के बाद इनकी नज़र इनायत अंसुर पर आ टिकी थी। इरम और अंसुर तो थे भी हम उम्र, क्या शानदार जोड़ी थी इनके हिसाब से। लेकिन ये मरियम भाभी, वो चांद सूरज की जोड़ी के तस्वुर से बाहर निकलते हुए हकीकत की दुनिया में आई। मरियम भाभी तो बेवा बहू को घुटने से लगा कर बैठ गई हैं। लोग भी कैसी कैसी बातें करने लगे थे, और ऐसी चहमगोइयाँ उससे हाजर भाभी को मज़ीद तप चढ़ जाती, क्योंकि जो खदशा वहम बनकर अंदर ही अंदर उन्हें सताए जा रहा था, वो लोगों की ज़बान पर भी आ गया था। अभी पिछले रोज़ ही वो खालाजाद इशरत के मुंह से यही बात सुनकर आई थी। अब अल्लाह जाने वो इन्हें जानबूझकर जलाने के दर पे थी या वाकई कुछ जान लेना चाहती थी। कान के करीब घुसकर राजदारी के अंदाज से पूछने लगी, सच बताओ हाजरा, क्या वाकई मरियम भाभी समीन को हमेशा के लिए अपने घर में रखने वाली हैं? अरे अल्लाह ना करे, वो फ़ौरन बितकी, यूं ही अपनी तन्हाई के ख्याल से साथ लगा रखा है। अच्छा, लेकिन हम तो कुछ और सुन रहे हैं। वो भी ज़रा कायल नहीं हुई, तभी हाजरा अगले रोज़ ही भागी चली आई। आज तो खुले बंदों भाभी की खबर लेने का इरादा था। 1.5 साल इसने सुहेल के साथ गुजारा है आपा, मैंने समीन को अपनी सोबी और नादिया की तरह तीसरी बेटी ही समझा, तो इसकी मजबूरियाँ भी अब मुझे माँ बनकर ही देखनी चाहिए ना। गुजरे 7 माह में बेचारी न जाने कितनी बार महके में रहने की गर्ज से गई, लेकिन बड़ी दो भाभियाँ तो जानबूझकर ऐसे पेश आईं ताकि समीन कम से कम उनकी तरफ तो हरगिज़ रहने का इरादा ना करे। और सच तो यह है आपा, बच्ची बेचारी के साथ किस्मत ने अजीब खेल खेला। जब तक बाप जिंदा था, तीनों बेटे भी एक छत के नीचे एक ही थाली में खाया करते थे, लेकिन वक्त ने जाहिर कर दिया कि सब दिखावा था। बाप के दुनिया से मुँह मोड़ते ही 3 माह के अंदर अंदर घर में दीवारें उठ गईं। बड़े तो छोड़, छोटे बच्चे भी एक दूसरे की सूरतें देखने के रवादार नहीं रहे। यही एक इकलौती बहन थी, और बेचारी शादी होने तक बिन बुलाए मेहमान की तरह तीनों घरों में लुढ़कती रही। बड़ी दो भाभियां तो वैसे ही मुँहफट और बदलिहाज हैं। बेवगी के बाद अपने रवैये से ही जता दिया कि इनसे कोई उम्मीद ना लगाई जाए। तीसरा भाई माली लिहाज से मुस्तहकम नहीं, तो इसकी बीवी गुर्बत को आड़ बनाकर रखने का नाम ही नहीं लेती। अरे भाभी, लेकिन ये सब अब तुम्हारे सोचने की बातें तो नहीं? तुम्हारे घर से इसका दाना पानी उठ चुका, अब जब शौहर ही नहीं रहा तो क्या काम ससुराल में? और ये जैसे मुश्किल हालात तुम बता रही हो भाई भाभियों के, तो भाई ये तो हर दूसरे घर का किस्सा है। ऐसे हालात को तो जैसे तैसे झेलना ही पड़ता है। फिर जवान है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, दिनों में कहीं और भी रिश्ता तय हो जाएगा। अब इतने दिन तो भाभियाँ भी सह ही लेंगी। जवान, पढ़ी लिखी, खूबसूरत, सब खूबियाँ अपनी जगह रह जाती हैं एक बेवा का ठप्पा लगते ही। मरियम के चेहरे पर उदासी सख्त थी, दर्द जैसे उमड़ उमड़ कर आ रहा था। बहू की हमदर्दी में तो वो सगी माँ को भी पीछे छोड़ने बैठी थी। हाजरा ने अपना खून उबलता हुआ महसूस किया। मालूम नहीं भाभियाँ जल्दी पीछे छुड़ाने के चक्कर में कहाँ पकड़ कर बिहा दें। रंडवा, बूढ़ा, बाल बच्चेदार, ये लो तो क्या कुंवारे लड़के को फांसी लटकाना है? ये भी तो बेवा है अब। तुम तो सच में ही बौला गई हो मरियम। अरे होने दो रंडवे बूढ़े से शादी, तुम्हारा अब क्या लेना देना। तुम्हें सुहेल के जाने का दुख अगर भुलाना ही है तो अपने अंसुर का घर बसाओ, नई बहू से दिल बहलाओ, पोते पोतियों की खुशी की दुआ मांगो। मैं भी तो यही चाहती हूँ। मरियम ने अपनी रोई धुली आँखें पहली मर्तबा मुस्तहकम अंदाज में नंद की आँखों में डाली। ना समीन कहीं जाएगी और ना अंसुर अब अकेला और उदास रहेगा। मैं इन दोनों के साथ ही घर की रौनकें बहाल करूँगी इंशाल्लाह। मतलब? हाजरा आपा का दिल डूबा।
मैंने फैसला किया है कि सुहेल की पहली बरसी गुजरते ही दुरे समीन और अंसुर की शादी कर दूंगी। पागल हो गई हो मरियम, अल्लाह की पनाह। हाजरा ने कानों को हाथ लगाए, बहू की हमदर्दी में बेटे की ज़िंदगी उजाड़ने पर तुली हो? अरे ज़रा एक नज़र उसकी तरफ भी तो देखो। उन्होंने लाउंज की ग्लास वॉल से बाहर लॉन की तरफ इशारा किया। अंसुर लॉन की सफ़ेद कुर्सी से टेक लगाए टांगे सामने मेज़ पर सीधी किए मस्त सा नीम दराज अपने मोबाइल पर कुछ देख रहा था। जवान उमंगों से भरे दिल पर ऐसी बेरहमी से छुरा चलाना कहाँ का इंसाफ है? क्या सोचेगा वो मासूम, मैं ही मिला था कुर्बान गाह पर चढ़ाने के लिए। कुछ तो इसकी भी हसरतें और ख्वाहिशें होंगी, तुम्हें माँ होकर इसके दिल की परवाह नहीं। मैं समझा लूँगी उसे, मरियम तो ज़रा भी नहीं पिघली। और हाजरा को लगा मरियम से बात करना सिवाय पत्थर से सर फोड़ने के और कुछ भी नहीं। अब्बू के एक देरीना दोस्त हसनैन कुरैशी के बेटे ज़ीशान का वलीमा था। स्टेज पर ज़ीशान से मुलाकात कर लेने के बाद वो नीचे उतरकर बिला इरादा ही मसनूई फूलों वाले इस कदादम गुलदान के साइड पर मुड़ा और बिल्कुल ही अचानक वो इसके सामने आ गई। पिछले 3 माह से वो जिस हिजाब वाली लड़की की तलाश में था, आज अचानक सामने आकर इसने अंसुर की तलाश को यूँ ख़त्म किया कि वो हैरत और बेयकीनी की मिलीजुली कैफियत में कुछ देर तो गंक खड़ा रह गया और फिर हैरत के झटके से निकलते ही 2 कदम बेख्तियार आगे आया। इरादा बड़ी गर्म जोशी से हाय हेलो करने का था, लेकिन अनारकली ने अचानक ही पलटी खाई और मुख्तलिफ सिमत में तेज़ी से कदम बढ़ा दिए। अंसुर हक्का बक्का सा इसका यह गैरियत भरा रवैया देखता रहा। ताजुब की इस बात ये थी कि दोनों इस वक्त बिल्कुल अकेले थे और आराम से बात हो सकती थी। अंसुर ने हैरत के झटके से निकलकर इसकी तलाश में नज़रें दौड़ाईं। इस मर्तबा वो हार मानने वाला नहीं था। पिछले 3 माह इसने मुसलसल ख़ुद को अपनी सुस्ती और कोताही पर कोसा था। वो चाहता तो ज़रा सी हिम्मत दिखाकर उस रोज़ नंबर हासिल कर सकता था, पर आज न जाने वो इतनी अजनबियत से क्यों मिली थी। अंसुर इससे मिलकर न सिर्फ इसे बेगाने रवैये की वजह जानना चाहता था, बल्कि आज उसे उसका नंबर भी लेना था। थोड़ी तलाश के बाद बिलाखिर उसे वो चंद लड़कियों के झुरमट में खड़ी नजर आ ही गई। आज उसने हल्के सब्ज़ ब्राउन रंग के इम्तिजाज वाली फ़्रॉक पहन रखी थी। हम रंग ब्राउन रंग के हिजाब में मुकैद इसकी गुलाबी माइल सफ़ेद रंगत हल्के मेकअप के साथ और भी ज़्यादा पुरकशिश लग रही थी। अंसुर कदम कदम आगे बढ़ता जब कुछ 4-5 फीट के फासले पर पहुंचा तो इसकी नज़र अंसुर पर पड़ी, और जो ही उसने अंसुर को मज़ीद आगे बढ़ते देखा तो एक मरतबा फिर पलटकर मेज़ के करीब रखी कुर्सी पर जा बैठी। मेज़ के इर्द गिर्द तमाम कुर्सियाँ ख़वातीन से पुर थीं, वहाँ जाकर मुखातिब करना अब किसी तौर मुमकिन नहीं था। अंसुर को अब इसके रवैये पर ताज्जुब से ज़्यादा गुस्सा आने लगा। बेबसी के आलम में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करे कि अम्मी ने जाने के लिए बुला लिया। अंसुर के पास अब बिना मिले और बात किए वहाँ से चले जाने के सिवा चारा नहीं था। बाहर निकलते निकलते एक बार फिर पलट कर देखा तो वो न सिर्फ इसी को देख रही थी बल्कि इसकी बेबसी और मायूसी पर चिढ़ाने के लिए शोखी से हंस भी रही थी। तो यानी इसे मेरे चले जाने का ज़रा भी अफसोस नहीं हुआ, उल्टा मुझे जिज करके खुश हो रही है। गो टू हेल। वो गुस्से में कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से गाड़ी दौड़ाता घर वापस आया था। अम्मी रास्ते पर उसे डांटती रह गई, लेकिन वो कुछ सुन कब रहा था। अंसुर को आज मैंने घर बुलाया है, अपना यह झाड़ झंकार दुरुस्त करो। हाजरा बेगम ने इरम के उलझे बालों वाले जूड़े को सख्त कोफ के साथ निशाना बनाया। वो दोपहर के बाद सोई जागी सी कैफियत में हैंड्स फ्री कानों में फंसाए मोबाइल फ़ोन हाथ में लिए कमरे से निकलकर सोफे पर आ गिरी। हाजरा ने अपनी बात का कोई रद्दमल ना पाते हुए हाथ आगे बढ़ाकर कानों से तार खींचे। हाँ क्या हुआ? वो पहली मर्तबा चौंकी, यानी मोहतरमा पहली बात सुन ही नहीं पाई थी। अरे ना लायक, होश की दुनिया में आओ तो बताऊं कि क्या हुआ। शाम को अंसुर को खाने पे बुलाया है, अपना हुलिया दुरुस्त करो, नहा धोकर तैयार हो जाओ, कोई ढंग और सलीके के कपड़े पहनो। खबरदार जो अंसुर की मौजूदगी में इस नहुसत को हाथ भी लगाया हो। उन्होंने मोबाइल को परे धकेला। भावच से बहस के नतीजे में तो कुछ हाथ नहीं आया था। बहुत सोचने के बाद अब आखिरी कोशिश के तौर पर डायरेक्ट अंसुर को कायल करने का इरादा किया, और ये इन्हें निस्बतन आसान लगा। उसे भला बेबा भाभी से शादी करने में क्या कशिश नज़र आती होगी, मुतनफ़र करना ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा था। अफ़ान के ज़रिए कॉल मिलवाकर उसे रात को ही बुलवा लिया। वो अंसुर को यह शक भी नहीं देना चाहती थी कि आज की दावत किसी प्लानिंग का हिस्सा है। अफ़ान से इसकी अच्छी दोस्ती थी और वीकेंड्स दोनों अक्सर ही एक दूसरे के हाँ गुजारा करते थे। इरम को हलिया भी ज़ोर ज़बरदस्ती करके तब्दील करवा ही लिया। यह और बात के माँ के इरादों से वो कतई मुत्तफिक नज़र नहीं आती थी। इसकी तमाम तर तवज्जो का मरकज़ वो छोटा सा डब्बा था, दुनिया जिसे मोबाइल कहती है, और जो अंसुर की आमद पर हाजरा बेगम ने अपने पास छुपा के रख लिया था। ये लड़की तो इन्हें और आए गए के सामने शर्मिंदा करती थी, सिवाय मोबाइल में घुसे रहने के जिसे और कोई काम ही नहीं था। खाने के बाद उन्होंने इशारे से अफ़ान को बाहर भेजा और अंसुर से बात का आगाज़ किया। मरियम भाभी ने पिछली मुलाकात में चूंकि खूब खुलकर अपने फ़ैसले से आगाह कर दिया था तो हवाला देना इसके लिए आसान हो गया। मैंने तो मरियम भाभी से बहुत कहा कि बच्चे जवान और ख़ुद मुख्तार हो जाएँ तो इन पर अपनी मर्ज़ी हरगिज़ नहीं ठोसनी चाहिए। फिर तुम खुद सोचो बेटा,
कौन सा समीन के पास सुहेल बेटी की कोई निशानी है जिसकी खातिर ऐसा कड़वा घूंट भरा जाए। तुम्हारी माँ जिस इंसानी हमदर्दी के ख्याल से तुम दोनों को बांध रही है, आगे चलकर वही तुम्हारे लिए आसार बन जाएगा। बल्कि तुम्हें क्या, समीन बेचारी भी निरी अजियत का शिकार रहेगी। अभी तो सुहेल की मोहब्बत भी दिल से जुदा नहीं हुई होगी। एक साल में भला कितना वक्त बदल सकता है। तुम समझदार हो, सलीके और स्वभाव से माँ को समझाओ और खुदारा अपनी ज़िंदगी तबाह मत करो। ऐसे रिश्तों का अंजाम बाद में बड़ा भयानक निकलता है। एक दूसरे को कबूल करने की कोशिश में ही आधी ज़िंदगी गुजर जाती है। फिर शादी का मतलब खुशियों भरी ज़िंदगी का आगाज़ करना होता है, ना कि दर्द मोल लेना। समझ रहे हो ना? उन्होंने नरमी से कंधा छुआ। जानती थी भतीजा फितरतन कमजोर शर्मिला सा है। ना जवाबन इसने कोई दलाल देने हैं, ना बहस में पड़ना है। फिर हाजरा का तो मकसद भी अपनी सुनाकर सोच की गिरह खोलना था। सिर्फ माँ की बातें सुनता रहा तो एक दिन वो कायल करवा कर ही दम लेगी। मामले के तारीख पहलू भी होते हैं और वो इस वक्त अंसुर को सिर्फ हाजरा फुप्पू की ज़बानी ही मालूम हो सकते थे। काश इस लड़के ने कोई सीख ले ली होती। इनकी सरदाह निकल गई खाने के बाद। वो कहवा पी रहा था, उसको देखते हुए वो उसके पास आ बैठी। शादीशुदा मर्द भी किसी कमाली लड़के को ब्याह लाए तो लोग तरहुम की नज़रों से देखते हैं, जबकि वो कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं होती। लेकिन एक कम उम्र कुंवारे लड़के को शादीशुदा मतलब बेवा या मुतलका से ब्याह आना, और बाकी तो छोड़ो, यानी कि भाभी के साथ, गजब है भाई। इंसान अपनी सौतेली औलाद पर भी ऐसा जुर्म ढाते सोच में पड़ जाता है, ये तो फिर सगी। माँ वो कहते कहते रुक गई, फिर लहजा बदल लिया। मुझे लगता है अंसुर, भाभी बेचारी की जहनी हालत सुहेल के बाद यकसर बदल चुकी है। इनके लिए अब चीज़ों को नॉर्मल अंदाज में देखना मुश्किल हो जाता है। बेहतर है इन हालात में घर के अहम फैसले तुम अपने हाथ में ले लो और माँ की मोहब्बत में जज्बाती बनकर सोचना छोड़ दो। और ये वक्त शऊर और जहनी पुख्तगी के मुजाहरे का है। अपने मुस्तकबिल का फैसला अपने दिमाग से करो और ख़ुद सोचो, जैसी ज़िंदगी जीने को वो कह रही हैं, क्या वो तुम जी लोगे बग़ैर मोहब्बत और बग़ैर सुकून के? निरा खुद को अजियत में तिला करना। जी पप्पू, ये सारी बातें मेरे जहन में भी हैं, आप परेशान ना हो, मैं सोच समझ कर ही फैसला करूँगा। शाबाश बेटा, जीते रहो। मुझे मालूम था तुम मेरी बात कभी नहीं टालोगे। तुम्हारी समझदारी पर भला किसे शक है। अल्लाह बख्शे, भाईजान भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही सोचते थे। वो रवानी में आकर अपनी कहे जा रही थी जब अंसुर को टेक्स्ट मैसेज की बीप ने मुतवज्जा किया। मैसेज अम्मी की तरफ से था। वो उसे याद दिला रही थी कि वापसी पर उसे समीन भाभी को इनके भाई के घर से लेते आना है। अंसुर ने पढ़कर चेहरे के तासुरात सपाट रखे। अम्मी को चूँकि मालूम था कि वो ऐसे पप्पो के साथ बैठा था, इसीलिए उन्होंने कॉल करने के बजाय मैसेज का सहारा लिया था ताकि पप्पो को इसकी भाभी को पिक करने की बात पता ना चले। ओके पप्पो, अब इजाज़त चाहता हूँ, अम्मी अकेली हैं, मुझे जल्दी पहुँचना है। वो फ़ौरन ही उठ खड़ा हुआ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बस चक्कर लगाते रहा करो, तुम्हें देखकर तो आंखें ठंडी हो जाती हैं। भाई जान भी नहीं रहे, सुहेल भी इनसे ही जा मिला, अब तो बेटा तुम्हारा ही आसरा है। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरी तो सारी उम्मीदें एक तुमसे जुड़ी हैं। पप्पो का मान मत तोड़ना, वो जज्बाती हुई तो कुछ ज़्यादा ही भूल गई। अंसुर कान लपेटते फिलफोर वहाँ से बाहर निकल आया। पप्पो भी अब अम्मी की तरह साफ साफ मुद्दे पर आ गई थी। पता नहीं इन औरतों के बीच कब तक सैंडविच बना रहना था इसको। कोई तो इसकी भी सुनता, कोई तो इससे भी समझता। वो गाड़ी पप्पो के घर से निकालकर आबिद भाई के घर आ गया। भाभी को कॉल करके अपनी आमद का बताया तो कुछ देर बाद इनके भाई बाहर आ गए और उसे स्टार करके अंदर ले गए। वो बस थोड़ी देर इनके साथ बैठा, फिर इनसे भी अम्मी के अकेले होने का कहकर इजाज़त ले ली। समीन भाभी को शायद अम्मी ने बता दिया था कि वो साथ चलने के लिए तैयार खड़ी थी। बाहर आकर खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गए। चलें? उसने हल्की सी गर्दन मोड़ी। हाँ चलो, आंटी कब से वेट कर रही हैं, उनकी तबीयत भी कुछ ख़राब है। अच्छा, अंसुर का चाबी घुमाता हाथ वहीं रुक गया। मुझे तो नहीं पता, तुम शायद घर पे नहीं थे ना, उनका ब्लड प्रेशर भी हाई था और अंगूठे में फिर से यूरिक एसिड का दर्द उठा है। ओहो, फिर खाने पीने में बेएहतियाती कर दी होगी। अंसुर ने लप चबाते गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मैं फुप्पो की तरफ चला गया था और अम्मी ने मुझे जिक्र भी नहीं किया। मैं कॉल करके इनसे पूछ लेती हूँ, अगर फार्मेसी से कोई दवाई वगैरह लेनी है तो हम लेते जाएंगे। समीन ने मोबाइल हैंडबैग से निकाला। जी आप कॉल कर लें। अंसुर उसी संजीदगी से सामने देखता रहा और समीन ने मरियम आंटी का नंबर मिलाना शुरू कर दिया। अब तबीयत कैसी है आपकी? वो भाभी के रूम से निकलने के इंतज़ार में था। वो शायद अम्मी और अपने खाने का बंदोबस्त करने किचन में गई थी। अंसुर टीवी बंद करके अम्मी के कमरे में चला आया। अब ठीक हूँ, तुम्हें तो पता है खाने में बेहतियाती कर बैठती हूँ। साथ वाली परवीन साग बना के लाई थी, साथ में तंदूर की गर्म रोटियाँ भी थीं, मैंने शौक में सारा ही ख़त्म कर डाला। अब तो दर्द नहीं हो रहा? नहीं, गोली तभी खा ली थी। अंगूठे का यह चल चलाता सा दर्द बर्दाश्त भी कहाँ होता है। यानी बंदा अब किसी फूड इंस्पेक्टर की तरह 24 घंटे आपकी निगरानी करे, तभी आप ठीक रहेंगी। वो खफा सा हुआ। अब तो समीन आ गई है ना, वो कहाँ करने देती है बेहतियाती वगैरह। अच्छा चलें, आप अब आराम करें। वो समीन के मौजू से पहलू तही करते हुए फ़ौरन उठ खड़ा हुआ, लेकिन मरियम ने हाथ बढ़ाकर इसकी कलाई थाम ली।
अभी बैठो, मुझे कुछ बात करनी है। उनका अंदाज़ कुछ हुक्मिया सा था। अंसुर के पास वहाँ बैठने के सिवा कोई चारा ना बचा। सुहेल की बरसी में बस अब एक महीना ही रह गया है। तुमसे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं अब इस मामले को तूल नहीं देना चाहती। अपनी ख्वाहिश मैं तुम पर जाहिर कर चुकी हूँ अंसुर, लेकिन ज़बरदस्ती ठोसना भी नहीं चाहती। तुम बिलाशुबा अपने फ़ैसले में ख़ुद मुख्तार हो, लेकिन मेरी ज़ाती राय इस मामले में यही है कि समीन जैसी अच्छी और नेक बहू वाकई किस्मत वालों को मिलती है। मैं सचमुच उसे खोना नहीं चाहती। उसका आंखों से ओझल होना मुझे यह एहसास दिलाएगा बेटा कि बेटे के बाद मैंने अपनी बेटी को भी खो दिया। वो मासूम है, खूबसूरत है, कम उम्र है, सबसे बढ़कर हमारी खैरख्वाह है। कभी इसने मुझे सास या इस घर को अपना ससुराल नहीं समझा। ऐसी बेहद हिसाब खूबियाँ मुझे और किस लड़की में मैसर आएंगी? मेरा वाहिद सहारा तो अब तुम हो। बाकी बची ज़िंदगी अब तुम्हारे होने वाले बीवी बच्चों के साथ गुजारनी है। नई बहू मालूम नहीं कैसी हो और जैसी भी हो, बहरहाल दुरे समीन जैसी नहीं हो सकती। सुहेल को वापस लाना मेरे अख्तियार में नहीं। इससे मिलने की हसरत को क़यामत पर टाल दिया है। लेकिन समीन, वो कहते कहते रुके, तुम्हारी हाजरा पप्पू के ख्यालात मैं जानती हूँ। वो हर हाल में इरम को इस घर की बहू बनाना चाहती हैं। अब अगर इरम तुम्हें पसंद होती तब तो जैसे तैसे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लेती, लेकिन जब तुम्हें ही इसमें कोई दिलचस्पी नहीं तो ऐसी फुअड़ और बदसली का लड़की को बिलावजह नंद की मरवत में बहू बना कर लाना मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं। और उन्होंने बात करते जैसे सोचने का तवक्कुफ़ किया। जहाँ तक बात यह है कि तुम्हारी पसंद क्या है, तो मेरा नया ख्याल कि वो चेयरलिफ्ट वाली लड़की तुम्हें कहीं मिल पाएगी। शायद ज़ाती तौर पर तुम खुद भी ढूंढने की बहुत कोशिश कर चुके हो, लेकिन खैर तुम्हारे पास अभी भी एक डेढ़ महीना है। इस दौरान अगर वो तुम्हें मिल जाती है तो तुम्हारी खातिर मैं ज़रूर वहाँ रिश्ता लेकर जाऊँगी। आगे तुम्हारा नसीब, लेकिन बात यह है कि अब ज़्यादा देर मुनासिब नहीं। बरसी तक का इंतज़ार था मुझे भी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। लिहाजा तुम्हें आज भी एक महीने का वक्त देती हूँ। चाहो तो दूर समीन के लिए जहन बनाने की कोशिश करो, और चाहो तो इस लड़की को ढूंढने की सर तोड़ कोशिश करो, लेकिन अपना जवाब तुम सुहेल की बरसी के अगले दिन मुझे दे दोगे। वो तहमुल और ख़ामोशी से इनकी पूरी बात सुनते फ़ौरन खड़ा हो गया। मैं आपको अपने जवाब से आगाह कर दूंगा, लेकिन आप प्रॉमिस करें कि इस दौरान किसी भी किस्म का प्रेशर अपने जहन पर नहीं लेंगी और बिल्कुल रिलैक्स रहेंगी, अल्लाह से बेहतरी और खैर की उम्मीद रखेंगी। हाँ, मुझे अपने रब का हर फैसला खुशी खुशी मंजूर है। तुम भी ख़ुद को किसी मौके पर अंडर प्रेशर महसूस नहीं करोगे, खुसूसन मेरे ख्यालात के हवाले से। तुम्हारा हर फैसला मुझे मंजूर होगा, वो भी खुले दिल से। उन्होंने बेटे का हाथ नरमी से दबाकर इसकी ज़ात पर अपना एतमाद जाहिर किया। अंसुर भी इनके हाथ पर थपकी देते बाहर निकल आया। ये दिन, ये वक्त जल्द या बदेर बुलाकर इसकी ज़िंदगी में आना ही था, तो चलो आज और अभी सही। अब देखें कि दी गई मोहलत के बीच कुदरत ने इसके लिए क्या सोचा है। वो एक सरदा हसीने से टिकाकर सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अम्मी से वो कुछ भी नहीं छुपाता था। अनारकली और अपनी मुलाकात का अहवाल इसने इसी रोज़ उन्हें कह सुनाया था, और ये भी कि वो तब से मुसलसल इसी की तलाश में है। वो हल्के लेमन कलर के प्रिंट वाले सफ़ेद लॉन के सूट के साथ सादा सफ़ेद दुपट्टा और है मरियम सुल्तान के पहलू में बैठी थी। हाजरा बेगम और इरम इन दोनों सास बहू के एन सामने बैठी थी। हाजरा बेगम की नज़रें बार बार बेचैनी से दुरे समीन के चेहरे का तवाफ़ करती थीं। वो सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े बिल्कुल साफ धुला मुँह लिए बैठी थी, लेकिन चेहरे से हुस्न के न जाने कैसी शुआएँ फूट रही थीं। और हाजरा बेगम की कमकली की वो बिल्कुल बराबर में चेहरे पर मेकअप का कोई निशान ढूंढने में कोशा थीं। समीन की सादगी और अच्छाई इसके चेहरे से नूर की शुआओं जैसी छलक रही थी, लेकिन हाजरा बेगम ये बात समझने से कासिर थीं। उनकी नज़रें मुतवातिर इरम और दुरे समीन का मवासना करने में लगी हुई थीं। इरम के सर से पैर तक किए गए सारे अहतमाम की चमक इस सादा सफ़ेद दुपट्टे के सामने मान पड़ रही थी। हाजरा ने चुपके से गर्दन मोड़कर एक नज़र पीछे सुहेल के कमरे पर डाली। अंसुर बड़ी देर से भाई सुहेल के कमरे में था, मालूम नहीं क्या कर रहा था वहाँ। मरियम भाभी की तरफ से दोपहर के खाने का अहतमाम था। दोनों हाथ सीने पर लपेटे वो बड़ी देर से एकटुक सुहेल भाई की तस्वीर पर नज़र करके खड़ा था जो दीवार पर लगी थी, और वो अक्सर ही इनके कमरे में आ जाया करता। समीन भाभी इद्दत के बाद ही अम्मी के कमरे में शिफ्ट हो गई थी। इन दिनों मरियम की तबीयत भी मामूल से ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। एक रात उनका अकेले में ब्लड प्रेशर बुरी तरह शूट कर गया था। उन्होंने बमुश्किल कॉल मिलाकर समीन को बुलाया था, और तब से ही समीन भाभी ने मरियम आंटी के कमरे में मुस्तकिल ठिकाना कर लिया था। शायद अम्मी सच कहती हैं, समीन भाभी अब कहीं भी हक़ से नहीं रहती थी। ख़ुद को उन्होंने आधे अधूरे आर्जी ठिकानों में बांट रखा था। वो पूरी इस घर की थी, ना ही अपने मैके की। मरियम हद से ज़्यादा इसरार करती तभी वो यहाँ आने की हामी भरती, और वजह यह नहीं थी कि इन्हें अपनी अहमियत जताने का शौक था या वो मखरूर थी, बल्कि अब वो हर दम मखमसे का शिकार रहती। अम्मी के बुलाने पर जब वो यहाँ आ जाती और कुछ दिन बाद अच्छी तरह से सेट हो जाती, तब इन्हें भाइयों का घर पर आया और अजनबी लगने लगता,
तब तक यहीं रहती जब तक कि कोई भाई बाकायदा खुदाकर ले नहीं जाता, वरना वो यहाँ के सियाक और मान के साथ बिन बुलाए आया करती और ना ही भाइयों के यहाँ बिन बुलाए जाती। इनकी ये महरूमी अम्मी के दिल पर जा लगती। वो सुहेल की जुदाई का दर्द सीने से लेकर समीन की तकलीफ़ में डूबने लगती। अंसुर ने एक ठंडी गहरी आह भरकर भाई की तस्वीर पर नरमी से हाथ फेरा। मैं नहीं जानता आपको क्या मालूम था और कैसे मालूम था, लेकिन जो आपने कहा वो मैं भूला नहीं हूँ। अलबत्ता वो सब मैं अम्मी को नहीं बता सकता, और आज उन्होंने मुझसे मेरा जवाब मांगा है, तो ये फ़ैसला मेरा नहीं बल्कि आपकी कही इस आखिरी बात के हवाले से होगा जो सिर्फ़ मैं और आप जानते हैं। छोटा होने के नाते मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी है। मेरा आज का जवाब भी आपके हुक्म की तामील है। अल्लाह पाक से साबित कदमी और बेहतरी की दुआ है। अंसुर से आखिरी कलमात सुहेल की तस्वीर की तरफ देखकर अदा नहीं किए गए, और इसीलिए वह जल्दी से बाहर निकल गया। इधर देखो मेरी तरफ समीन। मरियम ने समीन का झुका सर उंगलियों से ऊपर उठाया। इसकी भारी पलकें नम और गुलाबी आँखें सुर्ख थीं। वो हनोज नज़रें मिलाने से गुरेज कर रही थी। मेरा दिल कहता है समीन कि तुम्हें मेरी मोहब्बत और मेरे खुलूस पर कभी शक नहीं रहा होगा। तुम जानती होगी कि मैं बिना किसी रिश्ते में बंधे भी तुम्हें इस घर में हमेशा अपने पास रख सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी तबीयत से मैं बखूबी वाकिफ हूँ कि तुम ऐसा कभी भी नहीं चाहोगी। और हो तो ये भी सकता है कि अंसुर की कहीं और शादी कर दूँ, चंद सालों में इसकी बीवी बच्चों के रौनक से मेरा घर आबाद कर दे। तुम भी सुहेल की जुदाई के दर्द से निकल आओ तो किसी और अच्छी फैमिली और अच्छी जगह पे तुम्हारी शादी कर दूँ और सुकून से आंखें बंद कर सकूँ। लेकिन समीन, अगर ये सब हो सकता है तो फिर ये क्यों नहीं कि अंसुर और तुम एक दूसरे के लिए जहनो दिल बना लो। ये कोई ऐसी अनहोनी भी नहीं, वो कहकर रुकी। समीन के रद्दअमल का कुछ देर तक इंतज़ार किया, लेकिन वो बेहद सपाट चेहरा लिए और नीचे देखती रही। मरियम ने इसका सफ़ेद नर्म हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैंने एक माह पहले अंसुर को एक माह का वक्त दिया था। बात तो तुमसे भी कर चुकी हूँ पहले। अंसुर ने पिछली रात मुझे अपने फैसले से आगाह कर दिया है। वो इस शादी के लिए रजामंद है। हो सकता है पिछले एक माह के दौरान तुम्हें बाकी मामलात के साथ साथ ये ख्याल भी सताता रहा हो कि अंसुर की इस बारे में क्या राय होगी, तो मुझे खुशी है कि पहला जवाब इसकी तरफ से आया, वो राज़ी है। इसीलिए अब मुझे तुम्हारा जवाब जानना है। और तुम जानती हो समीन कि मैं तुम पर बिना कोई प्रेशर डाले, बिना कोई शर्त रखे, खालिस तुम्हारी मर्ज़ी से आगे चलना चाहती हूँ। तुम्हें इस राय से इख्तलाफ हो तब भी तुम्हें और इस घर को मैंने कभी पराया नहीं समझना। ये घर तुम्हारे लिए हमेशा अपना ही रहेगा। अगर तुम मना कर दोगी तो मैं आने वाले चंद महीनों के अंदर अंसुर की कहीं शादी कर दूंगी। फिर तुम्हें दुनिया वालों की बातों की परवाह करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तुम ज़्यादा आराम और सहूलत से मेरे पास रह सकोगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ या जब तक अल्लाह पाक तुम्हारे लिए बेहतरी का कोई और सबब पैदा नहीं कर देता। वो इसी नरमी और आसान से उसका हाथ थामे हर ऊँच नीच से खुद को आगाह करती जा रही थी। और समीन इस दौरान हल्की आवाज़ में धीरे धीरे सिसकते अब आखिर में हिचकियाँ लेकर रोने लगी थी। मरियम आंटी की मोहब्बत, इनका खुलूस हमेशा उसे जेर बार करते थे। वो इसी तरह रोते रोते वहाँ से उठ गई थी। मरियम ने पलट कर देखा तो आज बहुत दिनों बाद समीन का रुख भी सुहेल और अपने मुश्तरका कमरे की तरफ था। उन्होंने गहरी आँख खींचते गर्दन सीधी की। शायद फैसले आसान होना चाहते हैं। अल्लाह पाक हम सब के हक़ में बेहतरी फरमाए, आमीन। आपकी चाय यहीं ले आऊं भाभी, जीनत ने कमरे में झांककर पूछा तो समीन ने चौंक कर सर उठाया। इस कमरे में बैठे उसे काफ़ी देर हो गई थी। उसने अस्पात में सर हिलाया तो जीनत वापस पलट गई। मुसलसल रोते रहने से मन का बोझ तो बहुत हद तक हल्का हो गया था, लेकिन सर में शदीद दर्द शुरू हो गया था। वो उठकर लॉन में खुलने वाली खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। कभी कभी इंसान को अपना आप इतना अकेला और तन्हा और बेयारो मददगार महसूस होता है बहुत सोचने पर भी। आज समीन को कोई सहेली, कज़न, बहन, भाभी, भाई कोई इस काबिल नज़र नहीं आया जिससे खूब दिल खोलकर बातें कर सके, किससे मशवरा करे, किससे अपने ख्यालात बताए। कोई समझ सकता था क्या उसे? क्या समझने वाला बहुत दूर जा बसा था? उसने रुख फेर कर सुहेल की मुस्कुराती तस्वीर को देखा। शायद नहीं, क्योंकि सुहेल तो खुद इंतहा का रिजर्व था। उसकी लिए दिए रहने वाली आदत ने समीन को आप ही अपने खौल में सिमटने पर मजबूर कर दिया था। वो हावी होने वालों में से नहीं थी। ज़िंदगी हमेशा से दूसरों के मूड और इनकी मर्ज़ी देखते हुए गुजारी थी। सुहेल ने उसे बहुत मोहब्बत दी थी। अलबत्ता वो ठंडे मिजाज का नर्म खो इंसान था। इजहार के मामले में किसी हद तक लापरवाह था, लेकिन समीन के लिए ज़िंदगी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम का बाइस नहीं बनी थी। सुहेल से इसे कोई शिकायत नहीं थी। मिजाज ही कॉम्प्रोमाइजिंग था, तो जैसा लाइफ पार्टनर मिला खुले दिल से एक्सेप्ट कर लिया। बहुत कम और बस कभी कभार ही वो सुहेल से शिकायत कर बैठती। इतनी मेहनत से तैयार हुई हूँ मैं सुहेल, और आप तारीफ का एक जुमला भी नहीं बोल सकते। वो ड्रेसिंग टेबल से हटकर बैठ के किनारे आ बैठे। भाई, अब तुम अपने असल हुसन को मेकअप की तह में छुपा कर तारीफ़ मांगोगी तो मैं मेकअप की तारीफ़ करूँ?
तुम्हारी तो नहीं। इसने हंसकर मोबाइल से नजरें उठाई। अब ये क्या बात हुई, मैं क्या मेकअप की तही लगाती हूँ? मुझे तो साफ सुथरा चेहरा ही पसंद है। जैसे उसने आंखें सिकोड़ कर कुछ देर सोचने का वक्त लिया। समीन दिलचस्पी से उसकी तरफ देख रही थी। जैसे सुबह अगर कभी मेरी पहली आँख खुल जाए तो जैसी प्यारी तुम गहरी नींद में सोते हुए लगती हो, बिल्कुल सादा और नेचुरल। अच्छा, समीन बुरी तरह झेप गई। पहले तो कभी नहीं बताया। पहले तुमने पूछा ही कब? तो बिना पूछे तारीफ किया नहीं कर सकते आप? हर बार मेरे सवाल का इंतज़ार करेंगे। वो अपनी चूड़ियों से खेलने लगी। अच्छा जनाब, जो हुक्म, आइंदा तामील होगी। उसने मुस्कुराकर हल्का सा सरखम किया और वाकई अगली मर्तबा समीन को पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आई। वो सफ़ेद लबास के साथ हल्का गुलाबी मेकअप किए भैया के यहाँ जाने के लिए तैयार थी, जब सुहेल का कमरे के सामने से गुजर हुआ। किसी से मोबाइल पर बात करते नज़र समीन पर पड़ी और वह जैसे बात करना भूल गया। सफ़ेद लिबास जिस पर कहीं कहीं लाइट गोल्डन कढ़ाई थी और जाली का सफ़ेद गोल्डन बॉर्डर वाला दुपट्टा और लाइट गोल्डन ज्वेलरी, वो इस वक्त यकीनन बहुत खूबसूरत लग रही थी। नाइस ड्रेस, वो कॉल ऑफ करके खसूसी तौर पर अंदर आया। मेकअप और बाल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। सच्ची? वो बेतरह खुश हो गई और बेयकीन हुई। मैं तो डर रही थी, पहली मर्तबा सफ़ेद ड्रेस पहना है मैंने, पता नहीं कैसी लग रही होंगी। अच्छा, पहली मर्तबा क्यों? सफ़ेद रंग तुम्हें पसंद नहीं? अरे वो बात नहीं, समीन हंसी, मेरा मतलब है शादी के बाद पहली मर्तबा सफ़ेद रंग पहना। एक्चुअली हमारे यहाँ जहेज़ और बरी में सफ़ेद और सिया ड्रेस नहीं बनाए जाते ना। ओ सही, तो फिर ये ड्रेस सोभी आप ही अपने लिए लाई थी, मुझे इतना पसंद आया मैंने ज़बरदस्ती उनसे ले लिया। अच्छा वाह, तुम और ज़बरदस्ती, धौंस जमाने वाली लगती तो नहीं। सुहेल ने अपना तज़िया पेश किया और समीन हंसती। कुछ आदतें मालूम नहीं क्यों और कैसे वक्त की धूल में दबसी जाती हैं, वो महज सोच कर रह गई। और हाँ, ये काले सफ़ेद के वहम पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, जो भी आए पहन लिया करो, खसूसन सफ़ेद रंग। आपको पसंद है तो हमेशा इसी रंग में रहा करूँगी, वो खिलखिलाकर बेसाख्ता भूल गई। ख्यालों से बाहर आते समीन ने बेसाख्ता अपने कपड़ों को देखा। सफ़ेद लॉन वाले सूट में थी, पर्दे का कोना छोड़ती वो खिड़की से हट गई। जीनत चाय रख गई थी, हल्की गर्म चाय के घूंट लेते वो फिर मरियम आंटी की बातों पर गौर करने लगी, बल्कि दरहकीकत इसका सारा फोकस अंसुर के जवाब पर था। आखिर क्या सोचकर इसने शादी की हामी भरी थी, और इस लड़की का क्या होगा जिससे वो मोहब्बत करता था? इसने मरियम आंटी से ही सुना था कि अंसुर किसी लड़की से शादी करना चाहता है, और अब वो माँ की ख्वाहिश को देखते। नहीं, समीन ने चाय का कप वहीं रख दिया, उसे अंसुर से खुलकर बात करनी थी। बाहर आई तो जीनत अपने घर जाने के लिए निकल रही थी और मरियम आंटी अपने कमरे में आराम कर रही थी। यही मुनासिब मौका था, अकेले ऊपर जाना तो कतई मुनासिब नहीं था। वो कुछ सोचकर लाउंज में बैठ गई। किस्मत अच्छी थी कि तकरीबन 15-20 मिनट बाद अंसुर खुद ही नीचे आता दिखाई दिया। सीढ़ियाँ उतरकर एक सरसरी नज़र इस पर डालते इसने बाहर निकलने का इरादा किया। समीन ने बमुश्किल अपनी घबराहट पर काबू पाते खुद को बात करने के लिए आमादा किया। अपनी जगह से वो फौरन खड़ी हो गई थी, लेकिन अंसुर तब तक बाहर निकल चुका था। वो भी तेज़ कदमों से दौड़ते दरवाजे तक आई। अंसुर पोर्च में पहुँच चुका था जब तक। एक मिनट अंसुर, वो दरवाजे से बाहर निकली। दुपट्टा भी इस दौरान उसने ठीक से सर पर ओढ़ लिया था। जी, उसने जेब से चाबी निकालते हुए चौंक कर समीन को देखा। वो मुझे कुछ बात करनी है, समीन ने डूबते अतमाद को बड़ी दिक्कत से बहाल किया। जल्दी में तो नहीं हो? जी ऐसी कोई बात नहीं, यूं ही एक दोस्त की तरफ निकल रहा था, आप बात करें। तुम आंटी को इनकार कर दो, इसने फौरन ही कह डाला। अंसुर इसकी बात सुनकर हैरान रह गया। जवाबन कुछ देर खामोशी रहा। तुम्हें किसी प्रेशर में आकर इतना बड़ा कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने वैसे भी अपने फ्यूचर के मुतालिक 2-3 प्लान सोच रखे हैं। आंटी को लगता है शायद मुझे रिहाइश वगैरह की प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आबिद भाई और खावर भाई बारह मुझे अपने साथ ले जाने का कह चुके हैं, तो प्लीज़ तुम मेरी मजबूरियों की वजह से कोई कुर्बानी मत दो। समीन ने अपने सोचे समझे झूठ जल्दी जल्दी बयान कर दिए, हालांकि प्लान्स के नाम पर इसके जहन में एक बड़ा सा जीरो था। इससे आगे कुछ नहीं, ना ही किसी भाई ने अब तक झूठे में उसे साथ ले जाने की बात की थी। मरियम आंटी के इस पर नज़र करम को इसके महके में बड़े तशक्कुर की निगाह से देखा जाता था कि इसी में इन सब की जान खुलासी थी। अंसुर ने मतानत से उसे सुना, हल्का सा सर हिलाया, डायरेक्ट नज़र उठाकर इसने कभी भी इन आँखों में नहीं देखा था, आज भी नहीं देखा। जी मैं समझता हूँ, लेकिन आपकी मजबूरियों के हवाले से मुझ पर कोई दबाव नहीं। बाकी मेरी ज़ाती राय यह है कि आप अपने बाकी के 2-3 प्लान्स के बजाय अम्मी की राय और मशवरे पर खुले दिल से सोचें, उसने मोहतात तर्ज अपनाई। लेकिन आंटी ने बताया तुम कहीं और कमिटेड हो और ओ, अंसुर हैरान हुआ, अम्मी रूल्स भी ब्रेक करती हैं? नहीं नहीं, समीन बुरी तरह बौखला, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने जमनन एक बात कही थी, वो बहुत पहले, मुझे ज़्यादा तफसील नहीं पता। चले कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ मामला आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं, इसीलिए मेरे पास फिलहाल कोई दूसरा या तीसरा प्लान नहीं है।
आप भी अम्मी को अपने जवाब से आगाह कर दें। इनकी राय से इत्तेफाक करके आपको दिली सुकून और राहत महसूस होगी। ज़्यादा इंतज़ार करवाना इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। वो इस वक्त बहुत बेचैन और अपसेट हैं। अंसुर ने मोहतात और मुख्तसर अल्फाज का सहारा लेते चाबी इग्निशन में डालकर बाइक आगे बढ़ा दी। समीन लब चपाते खाली नज़रों से इसकी पुश्त देखी गई, जो दबे लफ्ज़ों में उससे हामी भर लेने पर मजबूर करके गया था। निगाह की रस्म अंसुर के इसरार पर नहायत सादा रखी गई थी। मेहमान इतने मुख्तसर थे कि हॉल वगैरह का बंदोबस्त करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आई। समीन की रुख्सती इसके बड़े भैया आबिद के घर से हुई। अंसुर ने सिल्वर ग्रे शलवार कमीज़ के साथ हमरंग बास्केट और काली पिशावरी चप्पल पहनी थी। तरशे हुए बाल जेल से सेट कर रखे थे। ताज़ा बनी क्लीन शेव उसे मज़ीद फ्रेश दिखा रही थी। सफ़ेद रंग पर काले घने अबरुओं और बालों के साथ कोई शहजादा लग रहा था। दुरे समीन सिल्वर मोतियों के लाइट काम वाले हल्के अंगूरी लिबास में थी। मेकअप भी इसी मुनासबत से पीच ब्राउन सा था। भारी जेवरात के बजाय चांदी और कुंदन का एक हल्का सा सेट और कलाई में सिल्वर और कांच की चूड़ियाँ। मरियम सुल्तान ने अलबत्ता मुंह दिखाए में गोल्ड का ब्रेसलेट वहीं पहना दिया। करीबी रिश्तेदारों में समीन के हाथ से इसके भाई और भाभीियों के अलावा दो मामू, एक खाला, एक पप्पू और चंद एक कज़न्स थीं, जबकि अंसुर की तरफ से दो बहनें बम्मा अपने चंद ससुराली रिश्तेदारों के और हाजरा पप्पू, ज़मीर पप्पा, अफान, इरम और दो खालाएँ शामिल थीं। बारातियों की दावत भी रुख्सती हो जाने के बाद इसी शाम मरियम बेगम के लॉन में रख दी गई। अंसुर अगले रोज़ के वलीमे के हक में नहीं था। समीन ने जिस रोज़ मरियम आंटी को अपने जवाब से आगाह किया, इस दिन ही आबिद भाई के यहाँ रहने के लिए वो चली गई थी। मरियम सुल्तान ने समीन के तीनों भाइयों आबिद, खावर और अंसुर को बुलाकर शादी के लिए राय तलब कर बाहमी सलाह मशवरे से एक माह बाद की तारीख रख दी। नादिया और सोबिया ने इन दोनों के लिए ऊपर वाला पोर्शन सेट कर दिया था। शायद समीन के जहन से पुरानी यादों के नक्श मिटाने में यह कोशिश कारगर साबित हो जाती। नादिया ज़ाती तौर पर इस शादी के हक़ में नहीं थी। इसने अंसुर के लिए कुछ और लड़कियां पसंद कर रखी थी, लेकिन अम्मी और सोबेबाजी का फैसला समीन के हक़ में देखकर जबरन अपनी राय भी तब्दील कर दी। सुहेल का कमरा नीचे के पोर्शन में था। ऊपरी पोर्शन मरियम और इनके शौहर मरहूम जहांगीर सुल्तान ने बेटियों की सहूलत के लिए बनवाया था, ताकि वह जब भी मैगे आएँ और ख़ुद को मेहमान तसव्वुर न करते हुए आराम से रहें। अंसुर का कमरा भी पहले नीचे हुआ करता था, लेकिन सुहेल भाई की शादी के बाद वो ऊपर शिफ्ट हो गया था और तब से वहीं था। और महीना भर पहले समीन के मैकेज चले जाने के बाद बाहमी सलाह से यही तय पाया कि अब जब दुरे समीन यहाँ आए तो माहौल का रंग अक्सर तब्दील हो। ऊपर का पूरा पोर्शन इन दोनों के लिए सेट कर दिया गया। समीन को दोनों नंदे ही इसके कमरे में पहुंचा आई थी। नीचे के पोर्शन में आज बहनें, खालाएं और कुछ कज़न्स मौजूद थीं। हाजरा पप्पू ने बस मारे बांधे ही शिरकत की थी और मरियम ने तो इसको भी बहुत जाना कि इन्हें तो नंद की संजीदा किस्म की खफकी की तवक्को थी। बहरहाल अच्छा हुआ कि उन्होंने रवैया मसालहत आमेज़ ही रखा था। अंसुर लाउंज में दाखिल हुआ तो माहौल में इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद हंसी मजाक और शोखी कुछ मफकूत सी लगी। सबके चेहरों पर उसे देखते ही एक मायने खेज संजीदगी की छाप दिखाई दी और वो समझ सकता था कि यहाँ सिर्फ उसे और दुरे समीन को ही नहीं, गालबन हर एक को इस हकीकत के हजम करने में वक्त लगना था। नीचे की गंभीरता से अजीब सी बेचैनी महसूस करते हुए वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर आ गया। यहाँ दो कमरे, कुशादा हॉल, किचन और अटैच बाथ थे। वो हॉल कमरे के सोफे पर बैठते उलझी उलझी सोचों में घिरा हुआ था। समीन से पहले सामने के मौके पर कहने के लिए बहुत कुछ रखा था, लेकिन ये सर का शदीद दर्द इसने दो उंगलियों से माथे के दरमियान को ज़ोर ज़ोर से दबाया। मुड़कर एक नज़र पीछे देखा, कमरे की लाइट ऑन थी। समीन को ऊपर आए आधे घंटे से कुछ ज़्यादा वक्त हो चुका था। किसी को बेसार कौन इंतज़ार की सूली पर लटकाना नहायत नामुनासिब बात थी। वो बावजूद सर के शदीद भारीपन के उठकर कमरे के दरवाजे तक आया, पर तो को एक तरफ करते कदम अंदर रखे तो इस्तकबाल दुल्हन की सिसकियों से हुआ। हल्के सब्ज घूंघट के अंदर वो होले होले लरस रही थी। हाथ में मुड़े तोड़े कुछ टिश्यू पेपर थे जिनसे वो अपना नाक रगड़ रही थी। अंसुर के लिए गैर मुतवक्का था। भले वो इसके सामने इसके हवाले से कुछ ज़्यादा सुहाना ख्याल हरगिज नहीं बुन पाया था, बातें भी नहायत संजीदा नौयत की सोच रखी थी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल ने तो जैसे हर सोची बात की अखलख्त नफ़ी कर दी थी। वो कमरे के अंदर आ चुका था और समीन भी ये बात जान गई थी, लेकिन वो अभी भी सिसकियाँ रोकने में नाकाम थी। अंसुर ने बस डेढ़ या दो मिनट रुककर किसी बात पर गौर किया और फिर बिना कुछ कहे सुने पलटकर कमरे से बाहर निकल गया। उसे यकीन था सुबह तक अब ऊपर के पोर्शन में कोई आने वाला नहीं। वो लाउंज की लाइट ऑफ करके साथ वाले कमरे के सिंगल बेड पर आकर लेट गया। अच्छी बुरी अब जैसी भी नींद आनी थी, उसे जूं तू सुबह तक धक्का देना ही था। बुझी बुझी खामोशी वो अगली सुबह भी पिछली शाम से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। अंसुर जिस कमरे में सोया था इसके अटैच बाथ से नहाकर बिना समीन की कुछ खबर लिए नीचे चला आया। यहाँ भी हल्की आवाज़ों और संजीदा से माहौल में नाश्ता किया गया और ये देखकर वो हैरान हुआ कि समीन इससे पहले वहाँ सबके बीच में मौजूद थी। गीले बालों के साथ लिबास तब्दील किए वो खामोशी से नाश्ता कर रही थी। बहनों और कज़न्स की हल्की फुल्की बातों में नाश्ता कदर सहूलत की फ़िज़ा में निमट गया। नाश्ते के बाद किचन में खड़े खड़े अम्मी से दो चार बातें करके वो गाड़ी बाहर निकाल लाया।
ऐसे हालात में जबकि सभी आपके चेहरे पर नजरें गाड़े कुछ खोज लेने की कोशिश में हों, किसी का सामना करना अच्छा नहीं लगता। वो भी इस वक्त किसी का सामना नहीं करना चाहता था। एक्टिंग करके खुद को नॉर्मल जाहिर करना भी इन लम्हों में सख्त कोफ्त का बाइस हो जाता था। बिला वजह देर तक वहाँ यहाँ गाड़ी घुमाते वो दोपहर के करीब घर वापस आया तो काफ़ी मेहमान जा चुके थे। इस वक्त सिर्फ अम्मी, नादिया और सोबिया भी घर पे थे। इनके सामने खुद को नॉर्मल बल्कि बहुत हद तक मुतमईन जाहिर करते हुए ही वो जल्द ऊपर आ गया। समीन के कमरे पर भारी पर्दे पड़े थे, वो दूसरे कमरे में आ गया। जहनी थकान ने जिस्म जान को इंतहा का सुस्त कर दिया था। वो सोफ़ा कम बेड पर लेटते हुए कुछ देर में ही नींद में चला गया। उठ जाओ अंसुर, शाम होने वाली है। अम्मी की नरम उंगलियाँ सर में सरसर आईं तो आँखें खोलकर वो खाली खाली नज़रों से उन्हें देखे गया। यहाँ सो गए थे? वो बज़ाहिर आम अंदाज में पूछ रही थी, लेकिन इस्तफसार वाज़े था। अंसुर के हवास भी ठीक ठीक काम करना शुरू कर गए। लबों पर हल्की मुस्कुराहट सजाते वो सोते से उठ बैठा। मैंने सोचा हम कमरे में शायद आप ही वगैरह का आना जाना लगा रहे और मुझे नींद बहुत शिद्दत से आई थी, वहाँ लेटता तो बेआरामी होती। हाँ अच्छा किया, बच्चों ने उधम मचा रखा है समीन के पास। चलो तुम भी अब उठ जाओ, घंटे भर में बहनें वापस जाने वाली हैं। जी मैं फ़्रेश हो जाता हूँ, बल्कि मेरे कपड़े भी आप यहीं भिजवा दें। वो कहते साथ ही वॉशरूम की तरफ बढ़ गया और मरियम सर हिलाते हुए वहाँ से उठ गई। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, अंसुर ने दोनों हाथ उठाकर ऊंची आवाज़ में अल्लाह का शुक्र अदा किया। पिछले 8-9 दिन जिस तरह दावतों की नज़र हुए, इसका तो अब सचमुच ही भाग जाने को दिल चाह रहा था। एक तो रोज़ाना किसी न किसी के घर दावत और हर दावतनामा इंतहा का ज़रूरी। बहरहाल मैके ससुराल की तमाम दावतों से शादी के 10वें दिन बिलाखिर निजात मिल ही गई। इसका क़याम अव्वल शब से उसी साथ वाले कमरे में था। अपने कमरे में अब तक वो सिर्फ 2 या 3 मरतबा अपना कोई ज़रूरी सामान उठाने ही गया था, और वो भी इस वक्त जब समीन नीचे के पोर्शन में होती। इसकी मौजूदगी में वो इस पहली मरतबा के बाद दोबारा नहीं गया। हाँ अलबत्ता अम्मी की मौजूदगी में नीचे रहते वो इससे कोई ना कोई बात ज़रूर कर लेता, ताकि अम्मी को इनके बीच की सरमोहरी का अंदाज़ा ना होने पाए। वो भी कुछ इसी ख्याल से कभी कभार बात कर लिया करती। वो इनकी शादी का गालबन 15वां दिन था। अंसुर दोपहर का खाना खाकर छत पर ऊपर आया तो उसे अपने पास हैंड फ्री की ज़रूरत महसूस हुई, जो कि तब से वहीं पड़ा था। आज फरागत से लेटा तो म्यूज़िक से लुत्फानंदोज़ होने को दिल चाहा तो उठकर इस कमरे तक आ गया। जिस वक्त वो ऊपर आया था, समीन नीचे किचन में थी और वो यही समझ रहा था कि अभी वो नीचे ही है। अंसुर ने दरवाजे पर पड़े भारी पर्दे को हाथ से दाएं जानिब सरकाया और अभी कदम आगे भी नहीं बढ़ाया था कि सामने दिखाई देते मंजर पर नज़र पड़ी। पर्दे की इस हल्की सी ओट से सामने वार्डरोब दिखाई दे रही थी। समीन इसकी जानिब पुश्त किए खड़ी थी, हल्की सी बाईं साइड अलबत्ता दिखाई दे रही थी। इसके हाथ में ब्लैक कलर का एक अपर था, जिस पर नरमी से हाथ फिरते वो बिल्कुल इर्द गिर्द से बेनियाज थी। वो उसे बाएं बाजू पर फैलाए दाएं हाथ से नरमी से सहलाते अपने चेहरे के नज़दीक ला रही थी, और ये देखकर अंसुर हैरान रह गया कि समीन ने अपर को अपनी नाक के पास ले जाकर गहरी सांस लेते इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारा था। वो इस ब्लैक अपर से उठने वाली महक से मानूस थी और इस वक्त शिद्दत से उसे महसूस करना चाहती थी। अंसुर भी इस ब्लैक अपर को पहचानता था। इसने गैर महसूस अंदाज में पर्दे का कोना छोड़ा और अपने कमरे में वापस आ गया। इस तरह की कैफियत में निश्चलब दबाते वो कमरे के बीचों बीच पैंट की जेबों में हाथ डाले कुछ सोच रहा था, और फिर जल्द ही एक नतीजे पर पहुंचकर मोबाइल बटवा गाड़ी और चाबी वगैरह बेड पर फेंककर 8-10 मिनट में ही फ्रेश होकर तब्दील लिबास करके ऊपर आ गया। गीले बालों में ब्रश करना ज़रूरी था, सामान उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। पहले मोबाइल ओपन करके कुछ लिखने का इरादा किया, लेकिन फिर इरादा मुलतवी करते हुए आगे बढ़कर समीन के कमरे के अधखुले दरवाजे पर उंगली से दस्तक दी। कौन? 10-12 मिनट में तैयार होकर नीचे आ जाए, कहीं चलना है। इसने हल्का सा पर्दा उठाकर बिना देखे मुतला किया। इस वक्त? कहाँ, किसके साथ? वो हैरान हुई। मैं बता दूंगा, आप जल्दी से आ जाएं, वो उजलत में कहकर नीचे आ गई। हम ज़रा बाहर जा रहे हैं अम्मी। अच्छा, इस वक्त? उन्होंने बेसाख्ता घड़ी देखी, 3:00 बज रहे थे। बेटा सोबिया आने वाली है और हम आ जाएंगे अम्मी, आप ही भी मेरा ख्याल है 5 बजे के बाद ही आएंगी। हाँ ठीक है, मैं भी बस याद दिला रही थी, उन्होंने सर हिलाया। अंसुर जेब से चाबी निकालते बाहर पोर्च में आ गया। ये जुलाई की सहपहर थी, यूँ तो बहुत गर्म, लेकिन आज बहुत दिनों बाद मौसम खुशगवार था। पिछली शाम की आंधी और इसके बाद बादो बारान ने गर्मी के तवील लहर को तोड़ दिया था। आज की सुबह भी हल्के बादलों की मेयत में तुलू हुई थी और इस वक्त ज़्यादा गहरे बादल उमड़ आए थे। पोर्च में खड़े अंसुर को बमुश्किल 6-7 मिनट गुजरे थे कि समीन कॉरिडोर का दरवाज़ा खोलकर बाहर आती दिखाई दी। अंसुर ने एक उड़ती पुड़ती नज़र इसके सरापे पर डाली। वो इसी ब्राउन और ब्लैक प्रिंटेड सूट में थी जो घर में पहन रखा था। साथ जाने के लिए एक हैंडबैग कंधे पर लटका लिया था। चेहरा अलबत्ता धुला धुला और फ्रेश लग रहा था। आप गाड़ी में बैठें, मैं अभी आता हूँ। वो ज़बरदस्ती चाबी उसे थमाकर अंदर की तरफ बढ़ गया, और इसकी वापसी भी 5-6 मिनट में हो गई। हाथ में एक छोटा सा शॉपर था। समीन इस दौरान गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ चुकी थी। अंसुर ने गाड़ी स्टार्ट करके गेट से निकाली और समीन का किसी अनजानी मंजिल की जानिब खामोश सफ़र का आगाज़ हो गया। और फिर
सवा या 1.5 घंटे बाद वो जिस ऊंचे मकाम की पार्किंग से निकलकर खुली जगह पर आए थे वो कोई और नहीं बल्कि पटरियाटा था। मेरी मोहब्बत का किस्सा वाकई अम्मी ने आपको तफसील से नहीं बताया था? अंसुर के सवाल में न जाने क्या था, समीर ने ताजुब से उसे देखा। हाँ कुछ ज़्यादा नहीं, बस यही कहा कि अंसुर जिस लड़की से मोहब्बत करता है वो उसे मिल नहीं सकती। मेरी मोहब्बत का किस्सा यहाँ से शुरू हुआ था। आज से 3 साल पहले वो मुझे यहाँ पहली मर्तबा मिली थी, वो तहमुल और सुकून से बताने लगा। समीर ने बेयकीनियत से अंसुर की तरफ देखा। लेकिन मरियम आंटी ने उस रोज़ कहा था कि तुम उस लड़की की तलाश में हो, और जी हाँ वो अपनी जगह बिल्कुल सही थी क्योंकि वो इसी 3 साल पुरानी मेरी कही बात के तनाजुर में ऐसा कह रही थी। उन्हें नहीं पता कि मेरी तलाश ख़त्म होकर कब की मायूसी में बदल चुकी थी। उन्हें नहीं पता वो सब जो सिर्फ मुझे और आपको पता है। क्या एक छोटा सा वाकया और एक आम सी मुलाकात आगे चलकर मोहब्बत में तब्दील हो सकती है? वो एकदम संजीदा हुई थी। ये सवाल तो मेरे पूछने का है, ये कसक तो दर्द बनकर मेरे अंदर चुभती रही है। क्या उस दिन की मुलाकात ने तुम्हारे दिल पर मामूली सी भी दस्तक नहीं दी थी? क्या वाकई ये मामला और वाकया इतना आम था? वो एकदम ही बेचैन हो उठा। आज से 3 साल पहले उसने उसे तुम कहा था और आज दूसरी बार उसने उसे तुम कहकर बुलाया था। समीन की पलकों पर नमकीन पानी लहराया। मोहब्बत के लिए एक लम्हा एक नज़र काफ़ी नहीं होती, लेकिन दिल पर नक्श ज़रूर छोड़ जाती है अंसुर। मुलाकात और बातें तो बहुत बड़ी चीज़ हैं, लेकिन यहाँ अहम ये है कि क्या यह हमारे साथ भी हुआ है। मैं नहीं जानता तुम्हारी बेयकीनी की वजह क्या है, लेकिन हाँ ये मेरे साथ हुआ है। यहाँ से वापस जाकर मैं अजहद पछताया था कि तुम्हें नंबर ना दे सकने के बावजूद मैंने लौट आने की जल्दी क्यों की, क्यों मैंने दूसरी मरतबा कोई कोशिश नहीं की। इन दिनों मैं कुछ खो देने का एहसास मेरे तमाम मामलों पर हावी हो गया था। राह चलते किसी कॉलेज के गेट को देखकर मैं एकदम रुक जाता और दूसरा पछतावा शिद्दत से दामनगीर होने लगता कि आखिर मैं इतना तो मालूम कर लेता कि किससे और किस कॉलेज की तरफ से तुम आई हो। तुम मुझे हर चेहरे में नज़र आने लगी थी, हिजाब ओढ़े अगर कोई लड़की नज़र आती, कॉलेज गर्ल नज़र आती तो नज़दीक आने तक मैं दीवाना वारों से घूरे जाता। कुछ ऐसे है कि अगलों के सामने शायद मेरा कैरेक्टर भी मशकूक होने लगा। और फिर 3 महीने बाद जब तुम मुझे एक शादी हॉल में नजर आई तो बावजूद आमना सामना होने के मैं देर तक उसे अपना वहम ही गिरदानता रहा। मुझे लगा ये भी मेरा एक वहम है और करीब आने पर तुम भी कोई और निकलोगी। और जब हम बिल्कुल आमने सामने बहुत करीब आए तो तुमने राह बदल ली समीन। अंसुर ने कुछ ऐसी दर्द भरी निगाह के असार में समीन को लिया जैसे ये नया नया जख्म इसने कल परसों ही खाया हो। आज भी उसे इसी शिद्दत से शिकवा कुना था। समीन की पलकें डबडबा गईं। अंसुर बिना जवाब सुने आगे बढ़ गया, वो भी आहिस्ता रवि से पीछे चलने लगी। अंसुर ने चेयर लिफ्ट के 2 टिकट लिए और दोनों लाइन में आगे आ गए। थोड़ी ही देर में वो चेयर लिफ्ट का सफ़र आगाज़ कर चुके थे और न जाने क्या कुछ नज़रों के सामने खुद ब खुद फिरने लगा। इन दरख्तों इन मनाजिर इस वादी से वो कैसे अजब हालात में एक दूसरे से मानूस हुए थे, कैसे वो बहस और तकरार का सफ़र तमाम हुआ और नीचे उतरने तक क्यों और कैसे दो दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लग गए। खामोशी से पुराने दिनों को सोचते वो सफ़र भी अख्ताम को पहुंचा और चेयर लिफ्ट से उतरकर दोनों खुली पहाड़ी पर आ गए। अंसुर इससे आगे बढ़ते एक दूर दिखाई देती पुरसकून अकेली जगह पर ले आया। यहाँ चंद कदम दूर गहरी वादी के निशान थे, किनारे खड़े ऊंचे चनार के दरख्त, फूलों से भरी क्यारियाँ और हल्की हल्की खुशगवार हवा। दोनों घास पर नीचे पास पास बैठ गए। तुम उस रोज़ शादी में बहुत रूखेपन से मिली, जैसे जानती ही नहीं हो। अंसुर ने दोनों बाजू घुटनों के गर्द लपेटते हुए बात का वहीं से आगाज़ किया। मैं इस दिन को भूल जाना चाहती थी, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो सज़ा थी या आजमाइश, लेकिन मैंने झेला है उसको और इस शिद्दत से बढ़ता है ख़ुद पर कि एक लम्हे के लिए भी वो गलतफहमी मेरी भूल बनकर मुझे भूलती नहीं थी। समीन की पलकें पानी से बोझल होती बेअख्तियार छलक पड़ी। इसका नाजुक लरसता हाथ अपनी गहरी उदास आँखों के किनारे साफ करने में कोशा था। वो बड़े दुख और कर्व से रो रही थी और अंसुर समझ में ना आने वाली हैरत से उसे देख रहा था। कैसी गलतफहमी और कौन सी भूल, क्या मुझसे कोई कोताही हुई है? वो समीन की बदलती कैफियत से आज़ाद हैरान था। वो क्या कहना चाहती थी, अंसुर कुछ भी समझने से कासिर था। हम उस रोज़ शान भाई की दावत वलीमा में मिले थे, मुझे बाद में पता चला कि वो लोग आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं और इस शादी के फंक्शन से 2 माह पहले जीशान भाई की मंगनी की तकरीब भी हुई थी। इसमें तुम्हारे घर वाले भी शरीक हुए थे लेकिन तुम नहीं आए थे। वो जैसे उसे कुछ बताने के लिए आगाज़ कर रही थी। हाँ जीशान की मंगनी की तकरीब में मैं नहीं गया था, गालिबा अम्मी गई थी, यानी अगर मैं मंगनी में जाता तो पटरियाटा के 1 माह बाद हमारी मुलाकात हो जाती। हाँ ऐसा ही है, लेकिन तकदीर हमारे साथ बहुत अजीब खेल खेलने वाली थी। समीन ने एक दर्द भरी आँखें थी। मरियम आंटी ने मंगनी की तकरीब में मुझे देखा और पसंद कर लिया और उन्होंने जीशान भाई की अम्मी के ज़रिए मेरी बड़ी भाभी पर अपनी पसंद का इजहार भी कर दिया था। भाभी ने मुझसे भी सरसरी जिक्र किया लेकिन मैंने खास नोटिस नहीं लिया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि किसकी बात हो रही है। लेकिन जीशान के वलीमे वाले दिन जब दोनों वहाँ एक साथ मौजूद थे तो एक अजीब बात हुई।
वो ख्यालों में जैसे वहीं पहुंच गए। अंसुर दम साधे उनकी बात सुन रहा था। भाभी ने मुझसे कहा कि जिस फैमिली से तुम्हारा रिश्ता आया है वो आंटी यहाँ मौजूद है, बल्कि निशान भाई की वालदा ने बताया कि इनका बेटा भी साथ है। अब मुझे नहीं मालूम कि भाभी भी कंफ्यूज थी या सिर्फ मैं हो गई। थोड़ी देर बाद इतफाक से निशान की बहन सवेरा के साथ बैठी थी कि मरियम आंटी वहाँ आई। बड़ी मायने से इस किस्म की खुशी और जब से मुझे गले लगाया, प्यार किया, हाल अहवाल पूछा और चली गई। मुझे इनके जाने के बाद भाभी ने बताया कि उन्होंने ही अपने बेटे के लिए हमारे यहाँ पैगाम भिजवाया है। कुछ देर बाद ईशान की बहन सवेरा मेरे साथ आके बैठी तो मैंने इश्तियाक से पूछा कि इनका बेटा कौन सा है। मैं चूंकि सवेरा से ही किसी हद तक फ्री थी तो पूछ लिया, पूछ लेने में क्या हर्ज है। और सवेरा ने फ़ौरन ही दाएँ हाथ की उंगली के इशारे से बताया। मैंने पलट कर देखा तो दो बड़ी उम्र के आदमियों के साथ ब्लू कलर के टू पीस में तुम खड़े थे। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि सवेरा ने किसी गलत फहमी के नतीजे में ऐसा बताया या वो मेरा कंसर्न नहीं समझी। बहरहाल वो अपनी जगह ठीक थी कि वो है मरियम आंटी का बेटा, लेकिन जाहिर है मैं कुछ और समझी और तुम्हें देख लेने के बाद मेरी खुशी और एक्साइटमेंट में हैरत अंगेज इजाफा हुआ। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि पट्रियाटा के बाद हमारा पहला सामना ही इतनी बड़ी खुशी का बाइस बनेगा। तुमसे सामना होने पर मेरा रूखे अंदाज में पलट जाना भी इसीलिए था कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे बात करो, क्योंकि तुम तो मुझसे पट्रियाटा वाले तनाजुर में बोलने की कोशिश करते। और मैं सोच रही थी ना जाने कितने लोग इस वक्त हमारे यहाँ नए रिश्ते से वाकिफ हों, क्या पता हम इस वक्त बहुत सी नज़रों के हिसार में हों। बस इसीलिए अनजान बन के गुजर गई। फिर इस बात की खुशी भी अंदर ही अंदर बहुत मजबूत थी कि आने वाले दिनों में कुदरत वैसे ही हमारी राह सहल कर रही है, तो इस जल्दबाजी की क्या जरूरत है। तो तुम्हें हकीकत का कब पता चला? शादी के पहले फंक्शन है ना मायू में। समीन के चेहरे पर एक रंग सा आकर लहरा गया और अंसुर का मारे हैरत के मुंह खुला रह गया। ओह, तो इस दौरान क्यों नहीं? हम एक दूसरे के नामों से नावाकिफ थे ना। जब जीशान की शादी में तुम्हें देखा तब भी नाम किसी ने नहीं बताया, और बाद में जब नाम पता चला कि मरियम आंटी के बेटे सुहेल से मेरा रिश्ता तय हुआ है तो मैं यही समझती रही कि तुम्हारा नाम सुहेल है। भाभी ने कहा था कि सुहेल की तस्वीर देख लो, लेकिन मैं मुतमईन थी इसलिए मैंने इनकार कर दिया। भाभी ने भी इसरार नहीं किया। फिर सुहेल अपनी टफ ड्यूटी की वजह से कभी हमारे यहाँ शादी से पहले आए भी नहीं। एक दो मरतबा अबू और भाइयों से मुलाकात हुई, और वो भी आप लोगों के यहाँ। आप भी कम ही हमारी तरफ कभी आए। रिश्ता तय पाने के बाद शादी भी तो ऐसे झटपट हुई कि दरमियान में कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन अंसुर, वो जैसे किसी नुक्ते पर रुक गई। तुमने मुझे कब देखा पहली मर्तबा? तुम्हारे भाई का मुझसे रिश्ता हुआ था, तुम्हारे भी तो इल्म में होगा कि किससे। और उसे जैसे कुछ याद आया, और मेरी तो तस्वीर भी गई थी यहाँ से। हाँ, तस्वीर आई थी, लेकिन सुहेल भाई ड्यूटी पर जाते वो तस्वीर अपने साथ ले गए थे और फिर वो वहीं कहीं रह गई। मुझे बावजूद चाहने के भी देखने का मौका नहीं मिला। और वो तासुफ और बेबसी से हंसा। मुझे भी मायों के फंक्शन में तुम्हें सामने स्टेज पर पीले और सब्ज कपड़ों में देखकर जो शौक लगा, शायद वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धचका था। मेरे लिए ख़ुद को संभालना इतना मुश्किल था कि इसके मुकाबले में मर जाना भी आसान था। और अब मुझे ये सब सोचकर हैरत हो रही है कि तुम्हारी इस वक्त क्या हालत हुई होगी, क्योंकि मैं इस वक्त एक साथ दो सदमात झेल रहा था। मुझे लगा मैं ही बेखबर था। तुम्हें तो ज़रूर पता होगा कि मेरा तुमसे कैसा रिश्ता है, तो यानी तुम्हारे लिए भी बात कोई मायने नहीं रखती। सुहेल और मेरी शादी से एक हफ्ता पहले मेरी सालगिरह थी। समीन अभी तक वहीं थी। जिन बातों से गुरेज करते 2.5 साल का अरसा बीत गया था, आज मौजू चल निकला था तो वो अंदर की सारी घुटन सारी भड़ास निकाल देना चाहती थी, इसीलिए कहती चली गई। सो भी आप ही को पता चला तो उन्होंने सुहेल से कहा कि इन्हें समीन को विश करना चाहिए। उन लोगों ने फ़ोन पर हमारी बात करवाने का प्लान बनाया। 10 बजे दिन के भाभी ने मुझे कहा कि सुहेल की कॉल आने वाली है, तुम ही अटेंड करना, वो तुम्हें विश करना चाहता है। और जाहिर है मैं यही समझी कि तुम कॉल करने वाले हो। समीन ने बात करते एक चोर नज़र अंसुर पर डाली और अंसुर की सारी हिस्से समीन की अगली बात सुनने को बेदार हो गई। जिसमो जान में खौफ पैदा करने वाली सनसनी दौड़ गई, न जाने आगे वो क्या कहने वाली थी। फिर 10 बजे सुहेल की कॉल आई। समीन ने एक भारी सांस सीने से बाहर निकालते हुए कहा, एक तो आप भाइयों की आवाज़ काफ़ी मिलती है, दूसरे फ़ोन में पहली मरतबा सुन रही थी, मुख्तलिफ लगती तो भी मैं इस चीज़ का नोटिस नहीं लेती। मैं सुहेल को तुम ही समझती रही। उन्होंने सलाम के बाद मुझे सालगिरह की मुबारकबाद दी, फिर पूछा कि एक हफ्ते बाद हमारी शादी है, आपको कैसा लग रहा है। मैंने जवाब दिया, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, हमारा मिलना कुदरत ने इतनी जल्दी आसानी से लिख दिया, कि आपको हैरत नहीं हो रही। मैंने आखिर में सवाल कर दिया तो वो एकदम खामोश हो गए, जैसे उनकी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दें। काश वो इसी वक्त पूछ लेते कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं तो शायद मुझे कुछ अकल आ जाती, लेकिन वो मुरवतन चुप रहे और मैं समीन जैसे खुद पर हंस पड़ी। मैं कहती रही, अंसुर सांस रोक के एक टुक इसके चेहरे को देख रहा था। मैंने कहा, बिलाखिर आपको मेरा नंबर मिल ही गया, अब तो पुराने रास्ते पर पूरे हक से जाएंगे। ओह, अंसुर का तनफ्फुस तेज़ होने लगा, काल की रुएँ गर्म हो गई। समीन आज न जाने कैसे कैसे इनकशाफात कर रही थी।
सुहेल ने इस बात पर भी हूँ हाँ में तबसरा करते बिलाखिर इजाज़त ले ली। उन्हें मैं ज़रूर कोई इंतहा की बेवकूफ़ और अहमक लगी होंगी। वो धीमा सा मुस्कुराई। शादी के बाद उन्होंने एक रोज़ सरसरी मुझसे पूछा भी था कि बर्थडे वाले दिन तुम किस बात का हवाला दे रही थी, और तब तक तो मैं जाहिर है एक सदमा झेल कर ज़हनी तौर पर कुछ तैयार भी हो चुकी थी। ये पता भी चल चुका था कि उस रोज़ मैं किससे वो सब बातें करती रही थी। मायूं वाली शाम सुहेल को देख लेने के बाद जो तूफ़ान मेरी ज़िंदगी में आया उसे हर हाल में मुझे बहर तौर अकेले ही सहना था। हत्ता कि मैं तुमसे भी ये बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरा ख्याल था कि गलतफहमी का शिकार तो मैं हुई हूँ, वरना तुम्हें तो हकीकत का ज़रूर इल्म होगा कि कौन लड़की मेरी भाभी बनकर आ रही है, और तुमने इस बात को बिल्कुल नॉर्मल लिया, यानी तुम्हारे दिल में मेरे हवाले से कोई ख़ास जज्बा था ही नहीं। खैर, तो जब सुहेल ने मुझसे इस्तफसार किया तो मैंने कह दिया कि 2 माह पहले से हमारे घर में आपके रिश्ते के हवाले से बातें हो रही थी, और कैप्टन से शादी होना मेरा ड्रीम था, इसीलिए मैंने इस रिश्ते को पहले दिन से ही बहुत ख़ास लिया, और मेरा ख्याल था कि आप भी इस मामले में टच ही होंगे, तो इसीलिए कह दिया। अब मालूम नहीं इतना कह देने से उनकी तसल्ली हुई भी या नहीं। नहीं हुई थी, अंसुर ने गहरी सांस खींचते हुए रसान से तला देने के अंदाज से कहा, और समीन की हैरान होने की बारी थी। क्या मतलब? पहले ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ सकती थी, लेकिन अब सब साफ साफ समझ में आ रहा है। सुहेल भाई को शक नहीं बल्कि यकीन सा हो गया था कि हम दोनों के बीच कोई बात है। कैसे अंसुर? एक तो मायूं वाले दिन जब शॉकिंग न्यूज़ मेरे इल्म में आई मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। मेहंदी के फंक्शन और फिर बारात के दिन तक मुझे तेज़ बुखार उठने नहीं देता था, ना ही बड़े भाई की शादी के हवाले से कोई जोश खुशी या एक्साइटमेंट मुझ में दिखाई देती थी। बजाय इसके मेरी हालत तो मरने वालों जैसी हो गई थी। बाकी सब ने उसे शादी की थकान से ताबीर करते हुए रेस्ट का मशवरा दिया, और फिर शादी के बाद मैंने 2 ही दिन में ऊपर शिफ्ट होने का ऐलान कर दिया। मुझे तन्हाई चाहिए थी और हर कीमत तुमसे कुछ दूरी, और तो कुछ किसी ने इस बात का खास नोटिस नहीं लिया, लेकिन सुहेल भाई शायद अचंभे में पड़ गए थे। मैं तुम्हारे सामने होने पर बहुत ही कम मुखातिब करता था। एक दिन याद है मैंने आपको कहकर तुमसे कोई बात की थी, तो उन्होंने फ़ौरन टोक दिया कि अब तुम भाभी से बात करने की आदत डाल दो, और मैंने इनकी बात का कहना मान भी लिया। अलबत्ता तब तक भी मुझे ये हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि वो मुझे शक की नज़र से देखते हैं। आदतन वो बिल्कुल शक्की मिजाज नहीं थे, समीन ने अपना तज़िया पेश किया, और वो भी दुरुस्त। आखिर इसने अपने शोहर के साथ 1.5 साल गुजारा था, और एक बीवी से बेहतर कौन जान सकता था कि इसका शोहर कितना शक्की मिजाज और कितना वसीउ नज़र है। हाँ, मैं मानता हूँ वो वाकई बहुत कुशादा दिलो दिमाग रखते थे। जहाँ तक हमारे मामले का ताल्लुक है, तो वो हमारे बीच किसी पुराने ताल्लुक की हकीकत को पाकर अगर तकलीफ़ में थे, तो वो तकलीफ़ सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से थी। वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे कि मेरा दर्द उन्हें खुद अपनी ज़ात पर महसूस होता था। तभी तो उस रोज़, अंसुर कहते कहते रुका और समीन ने बेतरह चौंक कर उसे देखा। क्या रोज़? क्या उस दिन अंसुर? भैया की शहादत से 1 दिन पहले, अंसुर ने दूर खलाओं में देखा। कबायली इलाके में ऑपरेशन के लिए उनका नाम भी चुना गया था। 12 फौजी जवानों के साथ कैप्टन सुहेल और कैप्टन इलियास को एजेंसी भेजा जा रहा था। भाई की पहली बात ही मुझसे हुई, वो अम्मी से डायरेक्ट बात करने से कतरा रहे थे। जानते थे वो सुनकर परेशान हो जाएंगी, इसीलिए भैया ने मुझे कॉल करके अपने जाने का बताया और कहा कि मैं ज़रा सलीके से उन्हें समझा दूँ और मामले को ज़रा संजीदा बनाकर पेश ना करूँ। मैंने उन्हें तसल्ली दी और पूछा कि आपने भाभी को बता दिया, तो कहने लगे उसे भी तुम बता दो। मैंने कहा कि उन्हें आपको खुद बताना चाहिए, आप ही बात कर लें। तो भैया ने फौरन बेसाख्ता एक जुमला कहा जिसे खुद इन्हें भी मालूम नहीं था कि वो क्या कह गए हैं, जैसे शहीद के आखिरी अल्फाज, शायद वो कहता नहीं, गैब से कहलवाए जाते हैं। भैया ने मेरी बात के जवाब में बेसाख्ता कहा, तुम कहो या मैं, एक ही तो बात है, आगे तो सब तुम्हें ही संभालना है। मेरा तो सुनकर दिल ही दहल गया। मैंने कहा, अल्लाह ना करे, क्या कह रहे हैं, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो एकदम चुप हो गए और मेरी बात पर बजाय आमीन कहने के बस इतना कहा, मेरी हर चीज़ की हिफाज़त तब तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, दुरे समीन को इस बार दर्द से बचा लेना। वो मज़ीद कुछ भी कहे सुने बिना कॉल काट गए। बाद में हम सब बार बार कॉल्स मिलाते रहे, लेकिन कोई रब्ता ना हो सका। वो जानते थे लेकिन उन्होंने कभी नहीं जताया। समीन ने हथेली से अपनी नमाखें साफ़ की। वो अजीम थे, काश मैं अपनी गलती से उनके लिए दुख का बाइस न बनती। हमारा साथ इस कदर मुख्तसर था तो काश वो इस हकीकत से बेखबर रहते। इन्हें तो ये भी अंदाज़ा नहीं कि बात किस कदर मामूली और ना होने के बराबर थी। मेरी कम अकली ने उन्हें तकलीफ़ पहुंचाई, मैं कभी किसी का भला होने ही नहीं देती। वो हाथों में मुँह छुपा कर हिचकियों से रोने लगी। खुद को ज़िम्मेदार मत ठहराएं, हो जाता है कभी कभार अनजाने में, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, दरमियान में आया वक्त भुलाया नहीं जा सकता, ना ही उसे अपनी ज़िंदगियों से निकाल सकते हैं। जो हुआ वो कोई ख्वाब या कहानी नहीं थी अंसुर, हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सच था, और सच किसी इरेजर से मिटाए नहीं जाते। वो दुपट्टे के किनारे से अपने मुसलसल बहते आंसुओं को साफ कर रही थी। सच जितना भी बड़ा हो समीन, वक्त की हकीकत से बड़ा नहीं हो सकता। सच अगर दर्द देते हैं, ज़ख्म लगाते हैं, तो वक्त से बड़ा मरहम कोई नहीं होता, और ये निज़ाम हकीकत और निज़ाम कुदरत है। इससे इनकार करने वाला वक्त गुजरने पर खुद ही इसका कायल हो जाता है, बिना किसी के समझाए और सिखाए। और हम तो तब्दीली के आगाज़ का पहला सबसे बड़ा कदम खुद अपनी मर्ज़ी से उठा चुके हैं।
मानता हूँ कि दिल की मर्ज़ी पर बहुत सी मसलहतें हावी हो रही होंगी, खुसूसन तुम्हारे लिए इस नई सिचुएशन को कबूल करना एक मुश्किल अमर है, लेकिन वजह कोई भी हो, तब्दीली तो बहरहाल आ चुकी है। मुझे वक्त चाहिए, वह संजीदा और कतई लहजे में बोली। कोई फ़ायदा नहीं, जितना मर्ज़ी वक्त ले लो समीन, नतीजा बहरहाल यही निकलेगा कि जहाँ तुम आज खड़ी हो, वक्त गुजरने पर भी वहीं की वहीं खड़ी मिलोगी। हालात में बेहतरी और सुधार कदम उठाने से आता है, मंजिल सफ़र करने से मिलती है, क़याम करने से नहीं। एक जगह जमे रहने से आप कभी अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकते, इसलिए अब तुम मेरा कहना मानोगी जौजा मोहतरमा। अंसुर ने माहौल की अजहद संजीदगी को मुसलसल मुस्कुराकर हल्का करना चाहा। ये और बात के समीन अभी तक वहीं रुकी थी। अंसुर बिना इसके जवाब का इंतज़ार किए उठ खड़ा हुआ, न सिर्फ ये बल्कि समीन को उठाने के लिए अपना हाथ भी आगे बढ़ा दिया, और वो जो खड़ा होने पर हैरत से उसे देख रही थी, खाली खाली नज़रों से उसके हाथ को धकी गई। मेरा हाथ अपने हाथ में ले लीजिए मैडम, वरना आने जाने वाले मेरी तरफ से मशकूक हो सकते हैं, और फिल वक्त निकाहनामा भी मेरे पास नहीं है। वो हनोज मुस्करा रहा था, और निकाहनामे के जिक्र पर समीन की खाली खाली निगाह में ज़िंदगी की लहर दौड़ी। नजरें नीचे झुकाकर वे अख्तियार अंसुर के पाँव पर आ रुकी। वो अब इसका शौहर, इसका मिजाजी खुदा था, न जाने ये बात बार बार क्यों भूल जाती थी। इसने नज़रें उठाकर ऊपर देखा, अंसुर अपना हाथ अभी तक फैलाए खड़ा था। समीन ने इस मरतबा झिझकते हुए अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया। ख़त्म शुद। अगर आपको ये नॉवलेट पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।